देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। सो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट थ्योरी स्टार्ट किया था और उसका थोड़ा सा इंट्रो हम लोगों ने पढ़ा था। फॉर्म ऑफ सेट कैसा होता है, सेट का मतलब क्या होता है, और उसमें प्रॉपर सबसेट, सबसेट, इक्वल सेट, डिसजॉइंट सेट, ये कुछ डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। बाकी आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट या नल सेट किसे बोला जाता है? एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। अच्छा पहला बात है कि एम्प्टी सेट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, इस साइन को बोला जाता है फाई, ठीक है। फाई बोला जाता है, फाई से हम लोग डिनोट करते हैं जिस सेट में किसी तरह का ऑब्जेक्ट या एलिमेंट नहीं रहता है। गुड इवनिंग आशीना। गुड इवनिंग मैम। एम्प्टी सेट पढ़ रहे हैं हम लोग, एम्प्टी सेट या इसको नल सेट या वॉइड सेट एक ही बात है, ठीक है। जैसे तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो ना लॉ में, वॉइड का मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हुआ वही होता है वॉइड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर वॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, वॉइड का मतलब हो जाता है जो खाली है, ठीक है, एम्प्टी या नल। अब इसको फाई से हम लोग डिनोट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन जो है लिख लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ए सेट विच has no element is called empty set. ठीक है, ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं है उसे हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे देखो सेट को हम लोगों ने लास्ट दिन भी पढ़ा था, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ऐसे जो है ब्रेसेस यूज किया जाता है। तो ये यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है हम लोगों ने तो ये हो गया हम लोग का एम्प्टी सेट, ठीक है, या फिर नल सेट। कंटेन नथिंग, ठीक है, इसमें क्या है, कंटेन नथिंग, कुछ भी इसमें ऑब्जेक्ट या इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो भी रहता है एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर बोला जाता है। तो एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर जब कुछ भी नहीं है तो इसे हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा अब अगर ऐसा होता है, सपोज ऐसे करके एक सेट है और उसके अंदर ऐसे फाई लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे फाई लिखा हुआ है, फाई में ना ऐसे साइन रहता है, तो वो रैंडमली लिखते हुए अगर ऐसा नहीं भी करते तो भी चलेगा, ये फाई होता है ये, लेकिन नल सेट नहीं है ये जो है, ये जो हुआ इट्स नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कंटेन हो रहा है। ये ऐसा एक सेट है जिसमें कुछ ना कुछ कंटेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेट ए कंटेन एलिमेंट, कंटेन एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो भी बोलो, कंटेन एलिमेंट फाइव, ठीक है। अगर सेट एक कोई भी एलिमेंट कंटेन कर रहा है, जैसे कंटेन एलिमेंट फाइव यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके अंदर ये ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे एलिमेंट ही माना जाएगा, चाहे कुछ भी लिखा हो। ये साइन, अब ये जैसे ये फाइव साइन है, जैसे और भी साइन होता है लाइक अल्फा होता है, बीटा होता है, ये गामा होता है, अगर कुछ भी लिखा हुआ है ए बी सी डी या 1 2 3 4 जो भी, तो जिस वजह से सेट बनाया गया है अगर एलिमेंट्स में कुछ भी दिख रहा है हमें तो वो फिर हम लोग का नल सेट नहीं होता है। लेकिन एक अगर एलिमेंट पूरा खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर हम लोग का एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखो एक एग्जांपल, अच्छा इस पे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 36, ठीक है, 32 और 36 के अंदर अगर हमें प्राइम नंबर का सेट बनाना है, अगर उस सेट को हम लोग मान लो ऐसे X से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, तो अगर X से डिनोट कर रहे हैं और उसको सेकेंड ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर होता है जो 1 और उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर
फाइव, ठीक है, फाइव को हम लोग वन और फाइव के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन टेन, टेन को अगर हम लोग देखें तो वन और टेन के अलावा फाइव से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर बनता है और ये जो है नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम लोग को 32 से लेके 36 के अंदर प्राइम नंबर ढूंढना है, तो 32 के बाद आता है 33, क्योंकि मैं 32 एंड 36 के बीच में, बिटवीन का मतलब बीच होता है, तो 32 मतलब 33, 34, 35, ठीक है, ये तीनों नंबर देख लो। यहाँ पर 33 वन से डिविजिबल है, 33 से तो है, क्योंकि हर एक नंबर वन और खुद से डिविजिबल होता है, इसके अलावा अगर किसी से डिविजिबल होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये 3 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। वैसे 34 का देख लो, 1 से होगा, 34 से होगा, ये तो कंफर्म है होगा, इसके अलावा 2 से हो जाएगा और 17 से हो जाएगा, तो ये हम लोग का प्राइम नंबर नहीं हुआ। 35 का भी देख लो, 1 से डिविजिबल, 35 से डिविजिबल, और कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 होता है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और 5 7 से 35 तो 7 से भी हो जाएगा, तो ये सब कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर हम लोग कलेक्शन करना चाहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट का 32 से लेके 36 के बीच में जो कि प्राइम नंबर हो, तो वेल डेफिनेशन क्या है, क्योंकि सेट थ्योरी ऑल अबाउट वेल डिफाइन होना चाहिए, तो वेल डिफाइन क्या है कि 32 से लेके 36 के अंदर हमें प्राइम नंबर ढूंढना है, तो प्राइम नंबर हम लोगों ने ढूंढने का कोशिश किया जो लॉजिक होता है प्राइम नंबर से, और एक भी हमें प्राइम नंबर नहीं मिला, यानी ये जो सेट बना ये हो गया एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बन पाया, इसीलिए से हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। तो ये एक एग्जाम्पल हम लोग का बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, ये वाला इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा सेट जो है हम लोग का सबसेट होता है, कौन सा प्रॉपर सबसेट होता है, ये यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा फाइव हैज नो प्रॉपर सबसेट, अच्छा ये कुछ और दिया है यहाँ पर, इफ पी इज द सबसेट ऑफ क्यू बट पी इज नॉट इक्वल टू क्यू देन पी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, ये सब हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्कस किया था। अच्छा यहाँ पर क्या दिया, चलो अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर सबसेट जो है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये देखो 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2, 3, 5, ये सब क्यों लिखा हुआ है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, ये देखो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में फर्क क्या है, प्रॉपर सबसेट का मतलब है अगर इफ सेट पी जैसे ये वाला है सेम एलिमेंट एज सेट क्यू, सेट क्यू की तरह सेम एलिमेंट है, देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट एज वेल एज सुपर एंड सबसेट बट नॉट प्रॉपर सबसेट, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होगा तभी अगर जो सुपर सेट है उसमें एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि उसके सबसेट में कंटेन नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट था। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा इसमें फॉर्मूला भी बनता है, जैसे देखो एक सेट लेके हम एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, मान लो एक सेट है 1, 2, 3, ठीक है, अच्छा इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, इसमें सबसेट हम लोग का बन सकता है ये देखो सबसेट P बन सकता है, P में मान लो 1 लिख लिया तो इसका सबसेट 1 होगा, क्यों, क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसेट होने के लिए ऐसा एक सेट होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर P है उसमें जो भी एलिमेंट है वो A सेट में कंटेन हो रहा है, मतलब P इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। अच्छा A का और क्या सबसेट हो सकता है, अगर हम लोग Q एक सबसेट बनाते जिसमें मैंने 1, 2 लिख लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q इज अ सबसेट ऑफ A। अच्छा इसके बाद R, R में क्या हो जाएगा, R में जैसे मान लो 1, 2, 3 कर दिया, ठीक है 1, 2, 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखो ये जो बना ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, नॉट प्रॉपर सबसेट, क्यों, अभी अभी दिखाया ना मैंने प्रॉपर सबसेट नहीं, एक बार लिख लेते फिर बताते, नॉट प्रॉपर सबसेट, बाकी ये क्या है, ये सबसेट है, ठीक है, ये क्या है, ये भी सबसेट है, और ये सब सबसेट के साथ साथ प्रॉपर भी है, मैंने ब्रैकेट में पी लिख दिया, ये सब प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट इसीलिए है क्योंकि ए में, ए जो सुपर सेट है उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि पी में नहीं है, तो यहाँ तो दो एलिमेंट एटलीस्ट ऐसा है 2 और 3 जो कि पी में नहीं है, क्यू में 1, 2 है, अब देखो क्यू के साथ कंपेयर करते क्यू में 1, 2 है इसमें 1, 2, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट 3 ऐसा है जो कि क्यू में नहीं है, अब ये क्या हो गया, ये हम लोग का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों का तीनों एलिमेंट जो है वो इसके सबसेट में कंटेन हो रहा है। अच्छा इसके अलावा और क्या प्रॉपर सबसेट हो सकता है, चेक करते हैं यहाँ पर एस से चेक करते हैं, 2, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, टी सिर्फ 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यू
टू थ्री, मतलब हम ऐसे करके अलग अलग लिख के दिखा रहे हैं, वन टू थ्री इंडिविजुअली लिख लो, वन टू लिखा, वन टू लिखा, टू थ्री लिखा, अब वन थ्री भी लिख लेते हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी, ये हम रैंडमली नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वन थ्री, ये सब क्या है, ये सब है सबसेट और उसके साथ साथ प्रॉपर सबसेट भी है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये सब सबसेट तो है ही है, ऊपर से प्रॉपर सबसेट भी है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट भी है। अच्छा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और एक सबसेट होगा वो हम बताते हैं, अभी जो हम लोगों ने एम्प्टी सेट सीखा ना उसी से देखो, और एक क्या होगा यू भी डब्ल्यू बना लेते हैं, एक सेट मैंने एम्प्टी सेट बना लिया, ठीक है, एम्प्टी सेट बन गया क्योंकि इसमें मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिखा। तो एम्प्टी सेट जो है वो ऑलवेज कोई सेट का सबसेट होगा ही होगा, क्यों, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने सबसेट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, सबसेट का डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होने का मतलब है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो दूसरे सेट में होने चाहिए, ठीक है, और सुपर सेट ये बनता है, ठीक है, कि ये अपने सबसेट का सारा एलिमेंट कंटेन करेगा। ये देखो वन को कंटेन कर रहा है, यहाँ पर वन टू दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर वन टू थ्री, यहाँ पर टू, ठीक है, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर टू थ्री, ठीक है, यहाँ पर वन थ्री, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, अब ये क्या है, यहाँ पर देखो खाली है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर भी कुछ मतलब ऐसा एलिमेंट है जो कि नहीं है, हाँ है ना, देखो थ्री के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसके बाद तो हम लोग एम्प्टी बोल सकते हैं ना, वन टू थ्री देन हमारा स्टॉप हो गया एम्प्टी। तो इसीलिए सेट थ्योरी में ऐसे बोला जाता है एम्प्टी सेट कोई भी सेट का सबसेट हो सकता है, क्योंकि एक सेट जब लिखना बंद हो जाएगा, जैसे वन टू थ्री के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, इसके बाद का एलिमेंट एम्प्टी हो गया, मतलब है नहीं कुछ, ठीक है, इसके बाद कुछ एलिमेंट है नहीं, इसीलिए सेट थ्योरी में ये कंसिडर किया जाता है कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट हमेशा किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। अब इससे देखो एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है जो कि एमसीक्यूज में काफी पूछा जाता है कि कोई भी एक सेट में कितने सारे सबसेट या प्रॉपर सबसेट होंगे उसको हम लोग बिना लिखे बिना काउंट किए कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है जैसे देखो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट कितना हुआ इस एग्जाम्पल में और सबसेट कितना हुआ, तो अगर प्रॉपर सबसेट देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हम लोग का प्रॉपर सबसेट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ये मतलब ब्लैंक एलिमेंट के अलावा, मतलब जब कुछ है नहीं एम्प्टी एलिमेंट के अलावा बाकी इसमें ऐसे कुछ नंबर्स है, मतलब प्रॉपर सबसेट तभी होता है ना कि जब सुपर सेट में सबसेट के एलिमेंट के अलावा कुछ एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा। तो यहाँ पर वन टू थ्री दिख रहा है जो मतलब एम्प्टी एलिमेंट के अलावा वन टू थ्री है, तो ये भी हमारे प्रॉपर सबसेट में ही आता है ये वाला, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट हो गया, नॉट प्रॉपर सबसेट बस एक ही आया, ठीक है, नॉट प्रॉपर सबसेट हम लोग का यहाँ पर एक आ रहा है, ठीक है, नॉट प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सबसेट सभी है बट कोई प्रॉपर है कोई प्रॉपर नहीं, उसका डेफिनेशन हम लोगों ने बताया। अच्छा, अब देखो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री होता है, जैसे कि ये एग्जांपल में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट अगर थ्री है कोई भी सेट में तो उसका कितना सारा प्रॉपर सबसेट हो सकता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हम लोग कैसे निकालेंगे, टू टू दी पावर थ्री, ठीक है, और सबसेट कैसे निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा टू टू दी पावर सबसेट का मतलब हो जाता है ये देखो, यहाँ पर और एक चीज भी देख लो, टोटल सबसेट नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू प्रॉपर प्लस नॉट प्रॉपर सबसेट, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि सबसेट हमारा प्रॉपर भी हो सकता है नॉट प्रॉपर भी हो सकता है, तो टोटल सबसेट प्रॉपर नॉट प्रॉपर, तो ये इस एग्जांपल में देखो नॉट प्रॉपर सबसेट कितना है, एक है, प्रॉपर सबसेट कितना है, सेवन है, तो टोटल मिला के एट सबसेट है, ठीक है। तो अगर हमने
हमें पूछे प्रॉपर सबसेट कितना है, तो कितना निकालना पड़ेगा हमें, सेवन. तो ये कैसे होगा, टू टू दी पावर थ्री माइनस वन करोगे सेवन आ जाएगा. नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा तो कितना है आठ, तो ये क्या हो जाएगा, टू टू दी पावर थ्री एट. अब इस चीज को कैसे फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब फॉर्मूला क्या बन रहा है इससे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एन है, ठीक है, तो प्रॉपर, तो यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट इज, नंबर ऑफ सबसेट इज टू टू द पावर एन, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट टू टू द पावर एन माइनस वन होगा, ठीक है. ये फॉर्मूला हम लोग जो है एमसीक्यूज में अप्लाई करेंगे, अगर हमें कितने भी एलिमेंट्स दे दे, हम लोग एलिमेंट्स के हिसाब से, और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब नंबर, अच्छा ये लिखा हुआ है, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट देख के हम लोग जस्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल सबसेट कितना है, प्रॉपर सबसेट कितना है, ठीक है. और अगर पूछे नॉट प्रॉपर कितना है, तो वो हम लोग माइनस करके निकाल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट से सबसेट को माइनस करके, सॉरी सबसेट से प्रॉपर सबसेट को माइनस करके. तो ये एक मतलब बोल सकते हो थ्योरम की तरह है कि यहाँ पर ये वाला डायरेक्ट बताने से नहीं समझ में आता, ये याद रखना पड़ता है, लेकिन याद रखने का लॉजिक देखो ऐसा है, ठीक है. इसे प्रूव होता है कि सबसेट अगर तीन एलिमेंट है तो मेरा कैसे कैलकुलेट हो रहा है, टू टू दी पावर एन, तो ये हो गया थ्री एट, और टू टू दी पावर थ्री माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, इस तरह से कैलकुलेट होगा. अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. अच्छा पहले देख लेते हैं इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. ये देखो यहाँ पर थ्री इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टू थ्री फाइव. टू थ्री फाइव का प्रॉपर सबसेट थ्री है, ऑब्वियसली थ्री होगा. क्यों? क्योंकि थ्री के अलावा इसमें ऐसे दो एलिमेंट कंटेन कर रहा है जो कि सुपर, मतलब ये सुपर सेट हो गया, ठीक है, ये सुपर सेट हो गया, ये क्या हो गया, ये सबसेट हो गया. अब प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि सुपर सेट में एटलीस्ट ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जो हमारे सबसेट में नहीं है, तो एटलीस्ट एक होना चाहिए. यहाँ तो दो दो एलिमेंट है जो कि सुपर सेट में है जो, लेकिन सबसेट में नहीं है, ठीक है. बट वन टू इज नॉट अ सबसेट ऑफ टू थ्री फाइव. टू थ्री फाइव का वन टू सबसेट नहीं होगा, भी नहीं, कैसे होगा, क्योंकि टू सबसेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक सेट का अगर एलिमेंट, सारा का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हो रहा है, मतलब ये देखो वन टू अगर इसमें कंटेन होता, वन टू, तो ये कैसे हो जाएगा सबसेट. टू थ्री फाइव ये अलग एलिमेंट है, वन टू अलग एलिमेंट है. एक्चुअली यहाँ पर देखो क्यों नहीं हो रहा है, इसका मैंने लास्ट दिन दिखाया था, ये इंटरसेक्शन के तरह हो रहा है, शायद मैंने यही वाला एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पर दिखा देते हैं. ये देखो वन टू वन टू थ्री, ये ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट सुपर सेट ऑफ ए, इसमें तो नहीं, वन टू ये रहा, वन टू थ्री फोर, अच्छा ये अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर दिखा देते हैं. ये देखो ये एग्जाम्पल को हम यहाँ से समझा देते हैं. यहाँ पर हम लोग को बोला है कि थ्री इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टू थ्री फाइव. टू थ्री फाइव अगर एक सब सेट है, ठीक है, और उसमें थ्री बोल रहा है, ये इसका क्या है, ये इसका सबसेट है, ठीक है, और ये सबसेट है और ये सुपर सेट है ना, सुपर सेट, ठीक है, ये सुपर सेट है इसका और ये सबसेट है इसका, ठीक ही है, क्योंकि सबसेट और सुपर सेट होने का कंडीशन क्या है कि इसका सारा एलिमेंट सुपर सेट कंटेन करेगा, ठीक है, कंटेन कर रहा है, लेकिन वन टू जो है टू थ्री फाइव का सबसेट नहीं है. वन टू जो है वो टू थ्री फाइव का सबसेट नहीं है. वन टू जो है वो टू थ्री फाइव का सबसेट नहीं है. देखो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वन और टू में देखो टू इसमें कंटेन हो रहा है लेकिन वन नहीं हो रहा है. लेकिन सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो सेट सबसेट है, ठीक है, उसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें कंटेन होना चाहिए, लेकिन सारा एलिमेंट कंटेन नहीं हो रहा है, तो नॉट अ सबसेट रिलेशन. तो सबसेट होगा तो सुपर सेट तो बनेगा ही, तो नॉट ए सबसेट रिलेशन, ना तो सबसेट है ना तो सुपर सेट वाला कंसेप्ट आ रहा है. यहाँ पर सबसेट नहीं होगा तो सुपर सेट भी नहीं होगा. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, देखो P इक्वल टू वन कॉमा टू, क्यू इक्वल टू वन टू थ्री, देन P इज अ सबसेट ऑफ Q. P जो है वो Q का सबसेट है, ठीक ही बोल रहा है, यहाँ वन टू है, यहाँ वन टू थ्री है, तो वन टू इसमें कंटेन हो रहा है, तो P इज अ सबसेट ऑफ Q. बट P इज नॉट इक्वल टू Q. हाँ वो तो दिख रहा है, P और Q इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें वन टू है, इसमें वन टू थ्री है, सो P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q.
ये चीज मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ कुछ कम यहाँ पर क्या आ रहा है देख रहे हैं, टू गिव कम्प्लीटनेस टू द आइडिया ऑफ सबसेट वी इंक्लूड द सेट इटसेल्फ एंड द एम्प्टी सेट, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से बता दिया। मतलब अगर बेसिकली देखो तो हम लोगों ने यहाँ तक कम्प्लीट कर लिया, यहाँ तक कम्प्लीट कर लिया, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से एग्जाम्पल दिया, हो सकता है यही वाला एग्जाम्पल दिया हो, लेकिन हम लोगों ने यहाँ तक कम्प्लीट कर लिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये जो पॉइंट है हम अपने हिसाब से डिस्कस करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग सेट ऑपरेशंस पढ़ेंगे अब, ठीक है, मतलब सेट में कैसे एड लेस वगैरह ये सब होता है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑपरेशन। अभी मेनली दो ही पढ़ते हैं, एक है इंटरसेक्शन, जो लास्ट दिन मैंने थोड़ा सा बताया था, कॉमन बोला जाता है, ठीक है, इसको कॉमन बोला जाता है, कॉमन इन सेट, और दूसरा है यूनियन, यूनियन इसको बोला जाता है, टोटल ऑफ सेट, कॉमन एलिमेंट, taken once, taken once, ठीक है, एक ही बार लेना है, समझते एग्जाम्पल से। जैसे इसमें अच्छा इसका ना अपना साइन भी होता है, जैसे इंटरसेक्शन का साइन है ऐसे उल्टा यू, ठीक है, और यूनियन का साइन है ऐसे सीधा यू। अच्छा अब यहाँ पर a का वैल्यू लिखते हैं, a का वैल्यू है 1, 2, b का वैल्यू है सपोज 2, 3, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉमन देखना है, तो ये दोनों में कॉमन जो है वही लिखना पड़ेगा, ये दोनों में कॉमन 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। अगर इसी का मुझे यूनियन करने बोले तो ए यूनियन बी कैसे हो जाएगा, ए यूनियन बी मतलब टोटल ऑफसेट, टोटल ऑफसेट क्या है 1, 2, 2, 3, दोनों को मिलाना है, तो 1, 2, 2, 3, लेकिन देखो एक पॉइंट मैंने लिखा है कॉमन एलिमेंट टेकन वंस, मतलब 2 जो है वो एक ही बार आएगा, हम यहाँ पर लिख के काट देते हैं ताकि याद रहे 1, 2, 3, ठीक है, कॉमन एलिमेंट हम लोग को एक ही बार लिखना है, दो दो बार नहीं लिखना है। यूनियन का मतलब, यूनियन मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक है, तो ये एक साथ हो गया, और कॉमन एलिमेंट मतलब दोनों सेट या दो से ज्यादा हो, हमें कॉमन एलिमेंट लेके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अच्छा अब ये हम लोगों का यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है वो दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना बोल रहा है, सी वी हैव ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या जाएगा, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर लिख के दिखा देते कैसे होगा, तो ये हो गया 3 आएगा क्योंकि दोनों में 3 है, 6 आ जाएगा दोनों में 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा 15 आ जाएगा दोनों में 15 लिखा हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये देखो 3, 6 और 15 हो जाएगा, बस हमें कॉमन ढूंढ के लिखना है। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, अब पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ठीक है, देखो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी में कॉमन देखना है, ए और सी, तो यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर बस 2 ही दिख रहा है, ये 5, 7 इसमें तो 5, 7 कंटेन ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। और B इंटरसेक्शन C भी हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, B में जो भी एलिमेंट है C में एक भी उसके साथ कॉमन नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5, ठीक है, ये देखो इसका आंसर क्या लिखा है इन्होंने, 5 मतलब एम्प्टी सेट, वेयर द इंटरसेक्शन ऑफ बी सी इज एम्प्टी, सो वी कैन से बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट, ये भी मैंने लास्ट बताया था, अगर कोई कॉमन पोर्शन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, और जिसमें कॉमन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को या फिर ओवरलैपिंग, ये देखो लास्ट क्लास में मैंने ये सारा चीज एक बार बता दिया था, यहाँ पर फिर से आ रहा है इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग डिसजॉइंट, जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा मतलब जुड़ नहीं सकता एक दूसरे के साथ तो वो डिसजॉइंट, अगर जुड़ सकता है तो जॉइंट, जॉइंट होने से इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज, ऐसे लिखना चाहिए, और इंटरसेक्शन को ऐसे उल्टा यू से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ गया हम लोग का सिंगल टोन सेट, पढ़ते हैं देखो ये क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं सेट ए इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया मैंने 0, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो इसका मतलब हो गया ए इज अ सेट, ए इज अ सेट कंटेनिंग
द एलिमेंट जीरो, ठीक है, कंटेनिंग द एलिमेंट जीरो, ये हो जाएगा. सो नॉन एम्प्टी, ये कोई एम्प्टी सेट नहीं है. मतलब जीरो देख के हम लोग अगर लिख देंगे कि ये एम्प्टी सेट है तो ये गलत बात हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा नॉन एम्प्टी. और सिंगल टोन का मतलब क्या हो जाएगा? सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट. अगर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उस सेट को हम लोग सिंगल टोन सेट भी बोल सकते हैं. जैसे ये देखो, ये भी एक सिंगल टोन सेट है. या फिर ऐसे लिख देते ए, यहाँ पर वैल्यू लिख दिया मैंने वन. या फिर जैसे बी एक सेट लिख दिया जिसमें मैंने वैल्यू लिख दिया जीरो, जैसे कि ये वाला. तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंगल टोन सेट. सिंगल टोन सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल टोन सेट. यहाँ पर वही बोला था, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट. एग्जाम्पल भी दिया था. अच्छा, इसके बाद हम लोग इक्वल सेट पढ़ेंगे. ये देखो इक्वल सेट क्या होता है. इक्वल सेट, जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं. एक सेट है जिसमें है टू थ्री, बी एक सेट है इसमें भी एलिमेंट्स है टू थ्री, ठीक है. तो ए और बी दोनों का एलिमेंट बराबर है, तो ऑल एलिमेंट इन ए इज इन बी एंड रिवर्सली ऑल एलिमेंट इन B is in A, ठीक है. तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट. इक्वल सेट का मतलब जब इक्वल, इसमें भी टू थ्री है तो इसमें भी टू थ्री, इसमें अगर फोर फाइव है तो इसमें भी फोर फाइव है, जो भी है. अगर इसमें ए बी है तो इसमें भी एलिमेंट ए बी होना चाहिए, तब जाके इसे हम लोग इक्वल सेट बोल सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये देखो इक्वल सेट भी हम लोगों ने पढ़ लिया. इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 246 246, ये दोनों इक्वल सेट है. अब इक्वल सेट को कैसे डिनोट करते हैं? ए इक्वल टू बी बोल के हम लोग डिनोट कर सकते हैं. मतलब ऐसे हो जाएगा, ये देख, ए इक्वल टू बी, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर देखो, द एलिमेंट ऑफ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर. सेट का एलिमेंट जो है, ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है. हम समझा देते हैं, देखो क्या होगा. जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर not matter, ठीक है. जैसे देखो a में अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे a e i o u, ठीक है. ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने लिखा set of vowels, ठीक है. अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं o a I, U और E, ठीक है. मैंने क्या किया? सीक्वेंस चेंज कर दिया, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया. तो क्या ये सेट ऑफ वावल नहीं कहलाएगा? नहीं, ये भी सेट ऑफ वावल ही कहलाएगा. मतलब ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, और ये भी सेट ऑफ वावल से, ये भी सेट ऑफ वावल से, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है. यहाँ पर वही चीज बताया था, ये देखो यहाँ पर कहाँ चला गया, ये रहा. The repetition of element is a set is in a set is meaningless, ठीक है. तो repetition जो है meaningless है, ये repetition. अच्छा, order का कहाँ पता चलेगा? यहाँ ये रहा. अच्छा हाँ, ये देखो इन्होंने number से किया है. 1 2 3 लिखने का मतलब जो है, 2 1 3 लिखने का मतलब भी वही है, 3 2 1 का मतलब भी वही है. तो ये भी जो सेट को समझा रहा है, ये भी सेम ही सेट को डिनोट कर रहा है, ये भी सेम सेट को डिनोट कर रहा है. ये तीनों चीज जो है एक ही जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है. ये तीनों एक ही जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है. ये भी अगर हम इसको ए नाम देते तो ये भी ए है, ये भी ए है. सिक्वेंस चेंज होने से सेट चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है. रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज इन सेट मीनिंगलेस. रिपीटेशन मैटर नहीं करता है. अब ये क्या चीज है, रिपीटेशन मैटर नहीं करता है? देखो क्या बोल रहा है, ये वाला पॉइंट, रिपीटेशन डज नॉट मैटर. जैसे ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो यहां पर लिखेंगे रिपीटेशन इज मीनिंगलेस. रिपीटेशन इज मीनिंगलेस, मतलब अगर हम लोग रिपीट करके लिख देते हैं सेट थ्योरी में तो उसका कोई मतलब नहीं होता है. जैसे देखो यहां पर लिखते हैं फॉलो. फॉलो कितने सारे लेटर से बना है? एफ ओ एल
और W, ठीक है, लेटर चार ही है, यूज L टू टाइम्स हुआ है, O टू टाइम्स हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग को इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सपोज अगर हमें इंस्ट्रक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मैं हम लोगों ने लास्ट दिन देखा ना सेट थ्योरी को कितने तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो सेट थ्योरी का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा रोस्टर फॉर्म हो सकता है, जहां पर हम लोग सेकेंड ब्रेसेस यूज करके सारी चीजों को लिख देते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो सकता है, या फिर रूल्स मेथड। तो अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सपोज लिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड, इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। एक्स ऐसा एक एलिमेंट होगा, मतलब वो ऐसे लेटर को डिनोट करेगा जो कि वर्ड फॉलो के अंदर है। तो एक ए सेट में क्या क्या आ जाएगा, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो एफ, ठीक है, एक्स ऐसा एक लेटर है, एफ एक लेटर है जो कि फॉलो वर्ड में कंटेन कर रहा है, फिर ओ, फिर एल, फिर एल, फिर ओ, फिर डब्ल्यू। अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग रिपीटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एल और ये एल में कोई फर्क नहीं है, एल तो भाई एल ही है, बेसिकली चार हमारा लेटर यूज हो रहा है। तो एफ लिखो, ओ लिखो, जब रिपीटेशन आ रहा है उसे इग्नोर करो, जैसे कि एल लिख दिया फिर से एल आ रहा है तो मत लिखो, ओ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो डब्ल्यू लिखो, तो रिपीटेशन नहीं लेना है। क्या, क्यों ले, क्योंकि इससे मीनिंगलेस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग चार लेटर से ही ये वर्ड बना रहे हैं, ठीक है, चार लेटर से। यहाँ पर कोई हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लेटर का यूज नहीं कर रहे, सिक्स लेटर इज नॉट यूज्ड, ठीक है, यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर फोर लेटर सी यूज हो रहा है इस वर्ड को बनाने के लिए, फोर लेटर इज यूज्ड, सिक्स लेटर यूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एल और एल कोई अलग चीज नहीं है, इसीलिए रिपीटेशन यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पर वही ओ एल डब्ल्यू उसी से किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये तीन जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, फाई एल सेट कंटेनिंग जीरो और जीरो, इसमें हमें बताना है कि तीनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो तीनों का मतलब क्या है, जैसे कि पहला यहाँ पर लिखते हैं फाई, इट इज अ सेट, ये क्या है, फाई एक एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट कैसा होता है, ऐसा एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इट इज अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, दैट इज नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट, तीन नाम होता है इसका, या फिर एम्प्टी सेट। अच्छा, और ये वाला क्या है, ये है हम लोग का इट इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट जीरो, ठीक है, कंटेनिंग एलिमेंट जीरो, इसको हम लोग सिंगल टोन सेट भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही जीरो है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट कैन ऑल्सो कॉल्ड सिंगल टोन सेट, क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये कोई सेट वेट नहीं है, क्योंकि सेट के लिए ऐसा सेकंड ब्रेसेस वगैरह कुछ तो फॉर्म यूज होगा, या तो रोस्टर, या तो सेट बिल्डर फॉर्म, या तो हमारा जो डिस्क्राइब फॉर्म है, तो ये सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये किसी टाइप ऑफ सेट नहीं है, नॉट एनी टाइप ऑफ सेट, इट इज जस्ट ए वैल्यू कॉल्ड जीरो, ठीक है। ये क्या है, ये एक वैल्यू बता रहा है जीरो, ऐसे दिया हुआ है तो ऑब्वियसली सेट होगा, सेकेंड ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स है। और ये फाई साइन सेट थ्योरी में क्यों यूज होता है, फाई साइन सेट थ्योरी में नल सेट को बताने के लिए यूज होता है। तो अगर फाई साइन दिया हुआ है तो वो हमें एम्प्टी सेट को बताएगा, क्योंकि आज देखो हम लोगों ने वहां से ही स्टार्ट किया, एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, अगर हमें सिर्फ फाई दे रखा है तो इसे हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। अच्छा, ये वाला हो गया, अब हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, यूनिवर्सल सेट का मतलब इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एस से। Denoted by capital S, ठीक है, universal set capital S से denote होता है। इसका नाम, इसका मतलब क्या होता है, देखो एक example से समझते हैं। जैसे देख लो, S एक universal set है। अब universe में क्या क्या data रहेगा, जैसे मान लो अगर मैंने universe में लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो पूरे universe में according to mathematics अभी इतने सारे number है, ठीक है, कुछ और लिखेंगे तो वो भी include हो जाएगा। और एक सेट मैंने P बना लिया जिसमें मैंने दो एलिमेंट रखा है 1 और 2, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सबसेट हो जाएगा, ठीक है, ये P से सबसेट ऑफ S हो जाएगा। अब इसको अगर ड्रॉ करके बताना है तो कैसे कर सकते हैं, ड्रॉ भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखो, यूनिवर्सल सेट को ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में डिनोट किया जाता है, ये एस है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एस है। इसमें क्या क्या वैल्यू है, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये यूनिवर्सल, इसमें इतने सारे नंबर है। अच्छा, अब एक सेट है P जिसमें 1, 2 है, तो इसको हम ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अलावा बाकी सबको ऐसे सर्कल में डिनोट किया जाता है, तो ये हो गया P, ठीक है, तो ये P सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब देखो, A set which contain all element under consideration in a particular problem. कोई भी एक problem हम लोग ले रहे हैं, मतलब कोई भी चीज हम लोग discuss कर रहे हैं, वहां पर जितने अगर S के अंदर कुछ element हम लोग दिखा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे इस problem के लिए यही सारे element है, इसके अलावा और universe में कोई element नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ हम लोग जो है इस particular sums के लिए बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बताया है, देखो, the set which contains all element under consideration in a particular problem is called universal set or denoted by S. और P is a subset of S. Suppose that P is a subset of S. अगर P S का subset है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, P is a subset of S. Then हम लोग यहाँ से ये सीखेंगे कि P complement या फिर ऐसे भी denote करते P dash यानी P complement या फिर S minus P या फिर S और ऐसे करके भी minus sign को use किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है P complement का मतलब क्या होता है? P complement का मतलब होता है, कंप्लीमेंट का मतलब पहले लिख लेते हैं, कंप्लीमेंट का मतलब होता है नॉट इन दैट सेट बट इन यूनिवर्स, बट इन यूनिवर्स, ठीक है, मतलब यूनिवर्स में है बट इसमें नहीं है, इस चीज को हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट। तो अगर P S का सबसेट है, मतलब ऐसा एक सेट जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यहाँ पर मेरा यूनिवर्सल सेट कंटेन कर रहा है 5 एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, और P इज अ सबसेट ऑफ S, वो तो पता ही चल रहा है, क्योंकि S जो है वो सारे एलिमेंट P के खुद में कंटेन कर रखा है, और ऊपर से प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ तो ऐसा 3 एलिमेंट है जो कि P में नहीं है, तो इन दोनों में रिलेशन सुपरसेट और सबसेट का हुआ, एज वेल एज प्रॉपर सबसेट का हुआ। अब P कंप्लीमेंट क्या है? P कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्स में है बट P में नहीं है, मतलब यूनिवर्स में वो एलिमेंट है बट एज अ सबसेट जो सेट है उसमें नहीं है। तो P कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1, 2 के अलावा 3, 4, 5, और P कंप्लीमेंट को कैसे डिनोट करते, P टू दी पावर C, P टू दी पावर ऐसे डैश S माइनस P, मतलब माइनस ना, ये देखो S माइनस P हुआ, 1, 2, 1, 2, ये कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3, 4, 5, ये माइनस हो गया 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, ठीक है, बचा क्या 3, 3, 4, 5, तो और माइनस को यहाँ पर इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, यूनिवर्सल सेट देखा, और उसके साथ साथ हम लोगों ने कंप्लीमेंट सेट भी देखा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाएगा, अगर किसी यूनिवर्सल सेट में हम लिखते हैं कि 7, 8, 9 है, तो फिर 7, 8, 9 ही रहेगा, या फिर ABCD कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा नंबर ही हो, ठीक है, एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये कुछ देख लेते हैं, देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया, उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, S का वैल्यू ये दे रखा है, P का वैल्यू इतना, क्यों? अब हमें बोल रहा है P कंप्लीमेंट दिखाओ, तो P कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर्स जो P में है, मतलब यूनिवर्स में है बट P में नहीं है, तो कॉमन वाला नहीं लेंगे, तो 0, 0 दोनों में है, 2, 2 दोनों में है, 4, 4 दोनों जगह पे है, 6, 6 दोनों जगह पे, 8, 8 दोनों जगह पे है, तो बचा क्या 3, 5, 7,
9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट, 3579, अच्छा 1 भी होगा, 1 मैंने नोट डाउन नहीं किया, 13579। अच्छा अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे नंबर्स जो कि यूनिवर्स में है बट क्यू में नहीं है, तो क्यू में है 1 2 3 4 5, तो यूनिवर्स में 0 है जो कि क्यू के पास नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो बचा क्या 6 7 8 9, ठीक है ये बच रहा है 0 6 7 8 9। अच्छा P यूनियन Q क्या हो जाएगा, P और Q को अगर हम लोग एक साथ लिखना चाहते हैं, यूनियन का मतलब P यूनियन Q, ठीक है, तो P यूनियन Q हो जाएगा ऐसे, ये देखो यूनियन का मतलब आज ही पढ़ा हम लोगों ने, सारे सेट को एक साथ लिखना, इकट्ठा लिखना, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, तो 0 से स्टार्ट करते, 0 फिर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 1 है, ठीक है, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखेंगे। अब इसको चाहो तो तुम लोग जो है 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे करके भी लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हो, तो P यूनियन Q में क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, 0 2 3 4 5 6 7 8। अगर P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, अब कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो हमारे यूनिवर्स में है लेकिन हमारे सबसेट में नहीं है, ठीक है, तो P और Q के पास ऐसा कौन सा एलिमेंट नहीं है जो कि यूनिवर्स में, 0 दोनों के पास है तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा दोनों के पास है, अच्छा 4 दोनों के पास है, 1 भी दोनों के पास है, अच्छा 3 भी दोनों के पास है, 5 भी दोनों के ही पास है, अच्छा 6 7 7, ठीक है 7 मुझे एक ऐसा नंबर दिखा जो कि यूनिवर्स में है बट क्यू के पास नहीं है, 8 नहीं होगा, 9, 7 और 9, ये देखो 7 और 9, हमें जस्ट ध्यान से देखना है और देख के लिखना है और कुछ नहीं, तो यहाँ पर देखो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब 7 9 आ गया, मतलब यूनिवर्स में है बट P यूनियन Q में नहीं है, मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, तो ये हो गया। अच्छा P इंटरसेक्शन Q अगर कैलकुलेट करने बोले तो कितना आएगा, चेक कर लेते P इंटरसेक्शन Q, यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट 2 4, ठीक है तो ये हो गया 2 4। अच्छा P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट ये कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है चलो यहाँ पर ये सब हटा देते हैं, ये सब तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हम तो देख देख के ही, मतलब यहाँ से बताया मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके बाद हम लोग देख के बाकी आगे का भी कर सकते हैं अगर यूज करना पड़े, जैसे देखो ये वाला यहाँ पर P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है तो P का मतलब ये है, Q कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने भी निकाला था यही आया था, अब निकालते P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है Q कॉम्प्लीमेंट बात में ना मतलब चेंजेस है, देखो P यूनियन Q Q कॉम्प्लीमेंट है, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट और P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट अलग बात होता है, ठीक है P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, P के साथ मुझे यूनियन करवाना है, P मतलब ये वाला यूनियन करवाना है Q कॉम्प्लीमेंट का, Q कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने पहले निकाला था, जिसका मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट्स का सेट जो कि यूनिवर्स में है बट Q के पास नहीं था, अब ये दोनों का हम लोग यूनियन करवाएंगे, तो पहले लिखते 0 2 4 6 8, ठीक है अब 0 लिख लिया कॉमन था नहीं लिखेंगे दोबारा, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, चेक करते हैं सारा चीज लिख लिया 0 2 4 6 7 8 9 0 2 4 6 7 8 9, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है लेकिन आप देखो P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, अब P इंटरसेक्शन Q कितना आया था, ये देखो 2 4 आया था, अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ऐसे नंबर्स जो यूनिवर्स में है बट इनके पास नहीं है, वही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 2 4 के अलावा सारा चीज, तो 0 1 3 5 6 7 8 9, ये ठीक है ये हो जाएगा, सॉरी ये वाला चेक करते 0 1 3 5 6 7 8 9, ठीक है हो गया। अच्छा अब देखो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, अब ये क्या होता है, इसका मतलब है P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो P कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने निकाल रखा है, Q कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है, अब ये दोनों का यूनियन करना है, मतलब इकट्ठा लिखना है, क्या क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 0 6
सेवन, ठीक है, और एट. अच्छा सेवन तो लिखा हुआ है, एट नहीं था, एट लिखते थे. चेक करते हैं, 01356, 01356, 789, ठीक है, ये हो गया 01356789. ये हम लोग का P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट. और अगर ऐसा बताए कि P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये कैसे होगा? इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ये वाला. Q कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ये वाला. ये दोनों का इंटरसेक्शन करवाने का मतलब हो जाता है इन दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढना. तो वन दोनों में नहीं है, नहीं होगा. थ्री दोनों में नहीं है, फाइव दोनों में नहीं है, सेवन दोनों में, सिर्फ नाइन. नाइन ऐसा एक नंबर है जो कि दोनों में कंटेन कर रहा है. तो ये देखो नाइन. अच्छा सेवन भी है क्या? सेवन, सेवन भी होगा, सेवन कॉमा नाइन. तो ये एग्जाम्पल हमें क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दिया कि कैसे करके हम लोग कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अलग अलग तरीके से दिखा, लेकिन इसके बाद हमें इससे एक जिस्ट मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. एक्चुअली डी मॉर्गन्स ने ये लॉ जो है प्रूव किया था, मतलब इस लॉ के बारे में देखा था, तो इसीलिए इस लॉ का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ. अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, अभी हम लोगों ने जितना सारा एग्जाम्पल देखा ना उससे ही पता चल जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ क्या है. डी मॉर्गन्स लॉ ये बता रहा है कि अगर हम लोग कोई भी सेट का यूनियन का होल कंप्लीमेंट करते हैं, वो इक्विवेलेंट मतलब बराबर होता है उसी सेट का इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के साथ. अभी प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर दिखाते कैसे प्रूफ हुआ है. ये देखो कैसे प्रूफ हुआ है. अगर हम लोग देखें ये वाला P इंटरसेक्शन Q, इसका होल कंप्लीमेंट डी मॉर्गन हमें क्या बोल रहा है, इसका अगर इंडिविजुअल कर लोगे और उसका यूनियन है तो इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर लोगे, ये दोनों इक्वल होता है. चेक करते हैं कि इसमें जो आंसर आया पी कंप्लीमेंट यूनियन क्यू कंप्लीमेंट में भी क्या सेम आंसर आया. चेक करते हैं 0135, 0135, 6789, 6789, हाँ सेम आंसर आया. और क्या बोल रहा है डी मॉर्गन्स लॉ, अगर पी यूनियन क्यू का होल कंप्लीमेंट करते हो तो इंडिविजुअली इंडिविजुअली ये इंटरसेक्शन जो है इसका इंटरसेक्शन करने से सेम आंसर आएगा. तो पी यूनियन क्यू इसका होल कंप्लीमेंट, पी यूनियन क्यू का होल कंप्लीमेंट ये रहा 79, ठीक है, और पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कंप्लीमेंट 79. तो ये तो प्रूफ हो गया. अब याद कैसे रखोगे, फॉर्मूला है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना बड़ा ही आसान है. इंटरसेक्शन का होल कंप्लीमेंट है तो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब इंडिविजुअली इंटरसेक्शन लिखो, दोनों फॉर्मूला एक जैसा है. इंटरसेक्शन है तो यूनियन ट्रांसफर करो, यूनियन है तो इंटरसेक्शन करो, बड़ा ही आसान है याद रखना. इस तरह से याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है. अच्छा अब इस चीज को हम यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं, ठीक है. अच्छा यहाँ पर ये तो इसी से प्रूव हो गया, इसको और नहीं भी करेंगे तो चलेगा. अब हम लोग देखते हैं दूसरा हमें क्या बोला है. अच्छा दूसरा हमें यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया है. वेन डायग्राम मतलब मैंने तुम लोग को ऑलरेडी वेन डायग्राम बहुत सारा करके दिखाया छोटे छोटे क्वेश्चन में. वेन डायग्राम का मतलब है सेट थ्योरी का ड्रॉ करना, ठीक है. अब ड्रॉ के लिए सेट को ऐसे करके सर्कल में डिनोट किया जाता है, ठीक है, और जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में डिनोट करते हैं. तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है जिसे एस से डिनोट किया जाता है, उसके अंदर पी एक सेट है, ये हो गया. अच्छा ये क्या दिख रहा है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये देखो ये जो यहाँ पर बना हुआ है पी एक सेट है, क्यू एक सेट है. अब यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया है ना, जैसे तुम लोग जियोग्राफी वगैरह में करते हो ना, मैप पॉइंटिंग वगैरह करते हो तो कहाँ क्या प्रोडक्शन है उसको अलग अलग जैसे डिजाइन करके दिखाते हो ना, यहाँ पर भी वैसे ही है. देखो पी सेट को ना ऐसे करके डिनोट किया गया है, ठीक है, पी सेट को ऐसे करके डिनोट किया गया है. अब इसमें जब क्यू सेट, अरे इसमें जब देखो जब क्यू सेट को लगाया गया ऐसे करके, उसके लिए क्या फॉर्मेट यूज किया गया, उसके लिए देखो ऐसे फॉर्मेट यूज किया गया ऐसे, ठीक है. ये मतलब डिजाइन है, ठीक है, दोनों चीज को अलग अलग समझाने का. अगर हम लोग पी क्यू नहीं भी लिखते तो समझ में आएगा ये एक अलग एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ये अलग एलिमेंट कंटेन कर रहा है. और जहां पर देखो ये रेड और ब्लू कलर अपने आप को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, अपने आप को इंटरसेक्ट किया है, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट. ये हम लोग का क्या है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये हम लोग का कॉमन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है. इसका मतलब ये पॉइंट वो वाला पॉइंट है, हम ऐसे ग्रीन से दिखाते हैं, ये वो पॉइंट है जो पी में भी है जो क्यू में भी है. ये देखो पी में भी ये पॉइंट कवर होता है, क्यू में भी ये पॉइंट कवर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट. और जो सिर्फ ये ब्लू बाकी बच रहा है, मतलब ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये सिर्फ P है, इस चीज को हम लोग बोलेंगे ओनली P. और इधर का जो बच रहा है ना, ये देखो इधर का जो बच रहा है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली
क्यू, ठीक है, इसको हम लोग ओनली क्यू बोलेंगे. और ये कॉमन है, मतलब ऐसा पोर्शन है जो पी में भी है और क्यू में भी है, ठीक है. अच्छा अब देखो इसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है. वही सारी चीज लिखे हुए हैं, ठीक है. और इसको हम अलग से क्या बोले, यहाँ पर हमें कार्डिनल नंबर पढ़ने को मिलेगा. ये देखो कार्डिनल नंबर क्या बोला जाता है, ये जो है ना उस ड्रॉ को ही हमें बताया. ये देखो यूनिवर्सल सेट एस रिप्रेजेंट बाय ए रेक्टेंगुलर रीजन एंड वन ऑफ इट सबसेट पी रिप्रेजेंट बाय ए सर्कुलर शेडेड रीजन, ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पर तुम लोग को पहले ही बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है. रुको हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, दिख जाएगा. ये देखो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये पी सबसेट है, वही लिखा है. देखो वही लिखा है लेकिन इसमें काफी ज्यादा छोटा हो गया, ऐसे तो नहीं दिखेगा शायद मुझे जितना. ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि शोज यूनिवर्सल सेट एस रिप्रेजेंटेड बाई ए रेक्टेंगुलर रीजन एंड वन ऑफ इट सबसेट पी रिप्रेजेंट बाई ए सर्कुलर शेडेड रीजन, द अनशेडेड रीजन इन साइड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट पी कम्प्लीमेंट. अच्छा ये बता देते, ये मैंने नहीं बताया. ये देखो ये तो हम लोग का यूनिवर्सल सेट है, ये हम लोग का पी है और ये पी सेट है. अब इसका मतलब ये यूनिवर्स में जितने भी नंबर है एलिमेंट के तौर पे या ए बी सी डी, जैसे मान लो एस में सपोज अगर ऐसा है ए बी सी डी ई, ठीक है, और पी में मान लेते हैं डी और ई है, ठीक है. तो ये एस में क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, क्योंकि डी ई पी के अंदर है तो मैंने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है. अब पी कंप्लीमेंट कौन सा है, पी कंप्लीमेंट अनशेडेड रीजन है. पी कंप्लीमेंट का मतलब जो यूनिवर्स में है लेकिन पी में नहीं है, ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी. ए बी सी ऐसा एलिमेंट है जो कि यूनिवर्स में है बट पी में नहीं, इसे पी कंप्लीमेंट बोलेंगे. जिसे बिना शेड किए दिखाया गया है, मतलब दिखाने का तरीका है कि ये शेडेड कर दिया या अनशेडेड है. तुम लोग चाहो तो ये पूरा शेडेड कर दो, इसको नहीं. वैसे ड्रॉ तो करना नहीं पड़ेगा एमसीक्यू में, ये जस्ट समझने के लिए. अच्छा अब ये वाला जो फिगर है वो भी देख लेते उसको कैसे समझाया गया है. ये देखो द अन फिगर वन बी शोज टू सेट पी एंड क्यू रिप्रेजेंटेड बाय टू इंटरसेक्टिंग सर्कुलर रीजन, द टोटल शेडेड एरिया रिप्रेजेंट पी यूनियन क्यू, द क्रॉस हैश्ड इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट पी इंटरसेक्शन क्यू. मतलब ये देखो टोटल शेडेड एरिया रिप्रेजेंट पी यूनियन क्यू, मतलब कौन सा वाला पता है, पी यूनियन क्यू कौन सा है, टोटल शेडेड रीजन. मतलब ये पूरा, ये यहां से लेके, ये यहां से लेके यहाँ, ये पूरा ही पी यूनियन क्यू है. पी यूनियन क्यू का मतलब क्या, पी का एलिमेंट, क्यू का एलिमेंट एज वेल एज कॉमन एलिमेंट जो कि एक ही बार लिखेंगे. जैसे अगर मान लो पी में है ए बी, ठीक है, और क्यू में है ए सी डी, ठीक है. अब इसको अगर ऐसे लिखना है तो इसमें लिखेंगे ए और ये मैंने लिख दिया, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे ए यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन रीजन में आ रहा है. बी यहाँ लिखेंगे, क्यू का है ए सी डी तो सी डी यहाँ पर लिख दिया. तो ये पी यूनियन क्यू का मतलब क्या होता है, पी यूनियन क्यू का मतलब है पूरे एलिमेंट्स को लिखना है लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है. तो ए बी सी डी मतलब पूरा ये बॉक्स, ठीक है, मतलब पूरा शेडेड, जहां जहां शेडेड है सर्कल के अंदर पूरा ही हम लोग का ए यूनियन बी है. और ये जो हैश्ड वाला पोर्शन है, मतलब जो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे सिचुएशन हो गया, क्योंकि एक तो ऐसा लाइन है एक ऐसा लाइन है और दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस किया तो कुछ ऐसा देखने में लग रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट. यहाँ पर वही बताया, ये देखो इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट पी इंटरसेक्शन क्यू. अच्छा अब यहाँ पर आ रहा है कुछ कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है वो हम बताते हैं. देखो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, हम अपने एग्जाम्पल से यहाँ पर बता देते हैं. सपोज पी है, पी में है 0, 2, 4, 6 और 8. क्यू में है 1, 2, 3, 4, 5 और एस में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, ठीक है. तो कार्डिनल नंबर एन ऑफ पी पी, ठीक है. कार्डिनल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, कार्डिनल नंबर को डिनोट किया जाता है एन ऑफ पी, नंबर ऑफ पी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, ठीक है. ये देखो कार्डिनल नंबर में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ए कार्डिनल नंबर. अब देखो सेट फाइनाइट होगा
तभी ना उसमें हम लोग नंबर काउंट कर पाएंगे. इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कितने सारे एलिमेंट है वो हम लोग जब काउंट नहीं कर सकते तो वो इनफाइनाइट होता है. फाइनाइट का मतलब अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तो उसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं. अब जितने सारे नंबर है वो जब काउंट करके लिख लेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर. जब काउंट करके लिख लेते हैं तो उसे कार्डिनल नंबर बोलते हैं. जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ पी कितना हो गया 5. एन ऑफ क्यू का अगर हम लोग कार्डिनल नंबर आइडेंटिफाई करना चाहे तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो गया. एन ऑफ एस ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 8, कार्डिनल नंबर 8 हो गया. अच्छा, तो कार्डिनल नंबर का मतलब है अगर एक सेट जो कि फाइनाइट है, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर का मतलब हो जाएगा, पहला बात है कार्डिनल नंबर हम लोग तभी काउंट कर पाएंगे अगर कोई सेट फाइनाइट सेट है, ठीक है. दूसरा हमें करना क्या है, फाइनाइट सेट का एलिमेंट को, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कंटेन करना है. डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए. जैसे देखो डिस्टिंक्ट का मतलब, ये देखो ये फॉलो था ना, अगर यहाँ पर ये लिख देते हैं तो फिर ये डिस्टिंक्ट तो नहीं हुआ, एल एल एक जैसा है. वैसे तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है. डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंट करके हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3, या जो 6 आया ना, 6 आंसर नहीं होगा, 4 ही हम लोग का कार्डिनल आंसर होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही लेना है. वो हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि रिपीटेशन यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है. रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है. जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया, आर एक सेट जिसमें 2 3 5 7 है, तो अगर कार्डिनल नंबर निकालना है तो उसे एन ऑफ आर से डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आर, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर 4 लिखो, ठीक है. द नंबर इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट आर. अच्छा, अब यहाँ पर एक जो है फॉर्मूला दिया, इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये वाला. इसको हम प्रूव करके बता देते हैं कि ये नंबर कैसे हमारा काम करेगा. ये फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर समझाएंगे. एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये क्या रटना पड़ेगा, नहीं, हम समझा देते, रटने का कोई जरूरत नहीं है. ये देखो यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देते तो दिमाग में चला जाएगा ऐसा क्यों होता है. एन तो हमें पता चल गया, कार्डिनल नंबर एन के लिए होता है, ठीक है. ये ए सेट यहाँ पर लिख दिया मैंने, सेट बी, ठीक है. अच्छा, अब ए सेट में सपोज, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है यहाँ पर लिखते हैं. ए सेट में है, हम अपने मन से लिख रहे हैं कुछ भी, जैसे कि 1 2 3, ठीक है. बी सेट में है हम लोग का 4 1 4 और 1, ठीक है, 4 1 और 5 लिख देते हैं. अच्छा, अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो ये ए सेट कर देते हैं, ए सेट में है 1 2 3, और ये हम लोग कर लेते हैं बी सेट, ठीक है. अब एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, एलिमेंट में बी में क्या है 4 1 5, तो कॉमन 1 है, तो 4 यहाँ पर कर देते हैं, 5 यहाँ पर कर देते हैं, कॉमन जो 1 है उसको हम बीच में लिख लेंगे. अच्छा, ए में क्या है 1 2 3, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3. दोनों में मैंने 1 को रिप्लेस अभी तक नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 एज अ पार्ट ऑफ ए एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ बी, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर लिखने से क्या हुआ, ये रेड सर्कल के अंदर भी कवर कर रहा है, ये ब्लू वाले सर्कल के अंदर भी कवर कर रहा है, ठीक है. अब अगर हमें ये पता करना हो कि एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है हम लोगों को दोनों सेट को मिला के लिखना है, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है. दोनों में तो एक ही चीज कॉमन है 1, बाकी सब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 2 3 4 5 ए यूनियन बी. अब एन ऑफ ए यूनियन बी देख लो, एन ऑफ ए यूनियन बी 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट होगा. अब इस चीज को ये फॉर्मूला हमें कैसे बताएगा, देखो एन ऑफ ए कितना है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो एन ऑफ ए है 1 2 3, एन ऑफ ए हम लोग का 3 है, चलो यहाँ लिख दिया मैंने 3. एन ऑफ बी कितना है, वो 2 है, यहाँ पर लिखते हैं एन ऑफ बी, नहीं वो भी 3 है, चलो वो भी 3 है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, तो 3 + 3 कितना हो गया 6. और ये माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, चलो ए इंटरसेक्शन बी भी देख लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक ही कॉमन चीज है 1, ठीक है. अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 1 होगा, मतलब एलिमेंट भी 1 है, एलिमेंट का वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पर नंबर मतलब कितने सारे एलिमेंट है वो भी 1 है. चलो इसको ना थोड़ा चेंज कर देते, नहीं तो हो सकता है तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाए. एक 1 के जगह इसे हम कर लेते हैं कुछ और, 5, इसे हम कर लेते हैं 7, चलो यहाँ पर 7 कर लेते हैं,
और ये भी हम लगा देते हैं यहाँ पर सेवन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम बना लेंगे सेवन ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ये कॉमन एलिमेंट सेवन हो गया और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी वन हो गया, मतलब सेवन इज द एलिमेंट और ऐसे कितने सारे एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस होने से यहाँ पर क्या हो गया फाइव, एन ऑफ ए यूनियन भी फाइव हो गया, एन ऑफ ए यूनियन भी फाइव हो गया, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेशन हो गया कि एन ऑफ ए यूनियन भी फाइव हो गया। अब ये फॉर्मूला क्यों लॉजिकल है, इसीलिए लॉजिकल है, देखो एन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, एन ऑफ ए का मतलब है तीन एलिमेंट, टू थ्री सेवन, ठीक है, और एन ऑफ बी का मतलब भी तीन एलिमेंट, फोर फाइव सेवन, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल अगर हमें पूछे ए यूनियन बी का मतलब, ये पूरा ए और बी को मिला के मुझे बताना है, तो ए और बी में क्या क्या है, फोर फाइव सेवन टू थ्री, मुझे तो ऐसा बोलना चाहिए ना, ए और बी में क्या है, टू थ्री फोर फाइव सेवन है। हम क्या ऐसे बोलेंगे कि टू थ्री सेवन फोर फाइव सेवन है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। जब हम डिस्क्राइब करेंगे कि दोनों का कंबाइनली क्या है, तो हम बोलेंगे टू थ्री सेवन फोर फाइव, अगर हम ऐसे बोल देते हैं, ए में टू थ्री सेवन है, बी में फोर फाइव सेवन है, सही बात है, दोनों में इंडिविजुअली देखो तो है, लेकिन यूनियन का मतलब है कॉमन पार्ट को, तो हमें क्या करना है, एक ही बार लिखना है, तो मुझे सेवन को एक ही बार काउंट करना है, या तो टू थ्री सेवन ए के लिए काउंट कर लो, या फिर फोर फाइव सेवन ऐसे करके काउंट कर लो एक ही बार, हम बी के लिए भी फोर फाइव सेवन और ए के लिए भी टू थ्री सेवन नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जब इंडिविजुअली देखेंगे तो तीन तीन नंबर है, लेकिन कंबाइनली देखेंगे तो कॉमन को एक ही बार यूज करना है, तो तीन नंबर जब यहां ले रहे हैं तो यहां भी सेवन इंक्लूडेड है, यहां भी सेवन इंक्लूडेड है। देखो जब यहां तीन नंबर और यहां तीन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेवन दोनों जगह पे इंक्लूडेड है, सेवन एक ही जगह पे इंक्लूड होना चाहिए, तो एक बार एलिमिनेट करो, या तो यहां से करो या तो यहां से करो बोलने के टाइम, तो कहीं से भी एलिमिनेट करो, ये टू और ये कितना हो जाएगा, फिर यहां पर ये हो जाएगा टू एलिमेंट्स और यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का यहां पर एक एलिमेंट ये तीन रहेगा, तो ये तो फाइव हो गया, ये क्या गलत हो गया, एक मिनट यहाँ, हाँ फाइव ही तो होगा, ये टू एलिमेंट हो गया, यहाँ पर थ्री एलिमेंट, या फिर यहाँ से माइनस वन कर दो, यहाँ पर कर दो, ठीक है, हमें एक ही बार बोलना है, तो पांच एलिमेंट हो गया। तो ये फॉर्मूला इसीलिए बना है कि कार्डिनल नंबर के हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला काउंट करके बोल सकते हैं। फिर यहाँ एक डिसजॉइंट सेट बोला है, डिसजॉइंट सेट में हमेशा ए इंटरसेक्शन भी जीरो होता है, इसीलिए फॉर्मूला कुछ ऐसे देखने में हो बताते हैं, फॉर डिसजॉइंट सेट, फॉर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट के लिए क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन एन ऑफ बी, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर ये दो सेट डिसजॉइंट है तो उस केस में मेरा ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा बता देते हैं, देखो ए और ये हो गया बी, ठीक है, अच्छा डिसजॉइंट होगा तो पहला बात है ड्रॉ ऐसा होगा नहीं, ठीक है, डिसजॉइंट मतलब कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो ड्रॉ अलग अलग होगा। अब मान लेते हैं कि ए में क्या क्या एलिमेंट है, ए में है वन टू, बी में है थ्री फोर, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया वन टू थ्री फोर, तो यहाँ वन टू है यहाँ थ्री फोर है, तो इसका मतलब एन ऑफ ए टू है, एन ऑफ बी भी टू है, तो इसमें प्रूफ करके देखो, ये हो गया टू प्लस टू कितना हो जाएगा फोर, किसका वैल्यू हो जाएगा ए यूनियन बी, क्या ये सही हुआ है, चेक करते ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी का मतलब वन टू थ्री फोर, ठीक है, अब इसका मतलब कार्डिनल नंबर निकालते हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन भी कितना हो जाएगा फोर, चार नंबर है तो फोर हो जाएगा, तो ये फोर हो गया। अब ये जीरो क्यों हो रहा है, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो कॉमन एलिमेंट नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट जीरो, ठीक है, डिसजॉइंट सेट में नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट जीरो, तभी तो डिसजॉइंट सेट है, इसीलिए यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो इसके हिसाब से ये फॉर्मूला तब हमारा ऐसा बन जाएगा, डिसजॉइंट सेट के केस में ए यूनियन बी कुछ ऐसा बनेगा, वहां से वो कॉमन पॉइंट हट जाए, ठीक है। चल अब अगर तीन सेट है, नंबर ऑफ सेट अगर थ्री है, तो उसमें ये कार्डिनल वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, देखो तब ऐसे हो जाएगा एन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन आर इक्वल टू एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्यू प्लस एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ
पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस एन ऑफ पी क्यू हो गया, ये देखो ये ऐसे करके पी क्यू क्यू आर और पी आर प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। इसका प्रूफ हम दिखा देते हैं, इसके लिए हम ये जो डेटा लिखे थे ना इसको यूज करेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे ऐसे होगा कि नहीं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर ही प्रूफ कर देते क्योंकि मेरा यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इससे ये फॉर्मूला पता चल जाएगा कि फॉर्मूला ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखे तो इसी के नीचे लिखते हैं तो समझने में आसान हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, सपोज ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और तीन सेट लिया गया है पी क्यू और आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू और आर, पी क्यू आर। पी में है 0 to 4 6 8। ठीक है, पी में है 0 to 4 6 8, पी में लिख लेते हैं 0 2 4 6 8। अभी मुझे पता नहीं कॉमन कौन सा, मैंने यहाँ पर ही लिख दिया। अच्छा, क्यू में है 1 2 3 4 5, क्यू में है 1 2 3 4 5, क्यू में है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब पी और क्यू में कॉमन जो है वो है 2 और 4। ठीक है, अच्छा देखो इसमें फिर कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट को हम लोग मिडिल में लिख देंगे। ये दोनों में कॉमन देख लेते हैं, 2 2 कॉमन है, 4 4 कॉमन है। चलो 2 और 4 को हम लोग कॉमन एलिमेंट के तौर पे लिखेंगे यहाँ पर, 2 और 4 को। उसके लिए हम व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, ये दोनों में है। अच्छा, तो 2 4 के अलावा 0 6 8, 0 6 8 यहाँ पर लिख, ये देखो 0 6 और 8, ये P में है लेकिन Q के साथ कॉमन नहीं। S में क्या है, अच्छा ये पी क्यू लिखा है मैंने, R R तो लिखा ही नहीं है। अच्छा R भी तो लिखना पड़ेगा, R एक एलिमेंट ले लेते हैं, R R का क्या वैल्यू है, R का वैल्यू ले लेते हैं 8 5 9 10। ठीक है, ऐसा ले लिया मैंने 8 5 9 10। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 और 5 जो कि P के साथ 8 कॉमन है, तो फिर ये वाला ड्रॉ तो गलत हो जाएगा। चलो इसमें फ्रेशली कुछ नंबर ले लेते हैं, उससे नहीं करते, ऐसे करेंगे तो करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं उसके हिसाब से कर लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू और आर। अब पी में है सपोज 1 2 3 4, क्यू में है 1 2 3 4 5 6 और 3 4 भी है, 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर है, यहाँ पर है 4 हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं 7, ये 8 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 है, 9 है, कॉमा क्यों दे दिया मैंने, 9 है, 10 है और यहाँ पर इसमें सपोज 11 है, ये 11 लिख लेते हैं, ये मैंने अपने मन से लिख लिया। अब इससे हम लोग सेट बना सकते हैं। देखो P में क्या क्या है, कैसे लिखोगे, P में है 1 2 3 4 11। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 11 हो गया, एन ऑफ P कितना हो गया, एन ऑफ P हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट। ये देखो 5 एलिमेंट है। अच्छा Q में क्या क्या है, Q में है 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8। ठीक है, तो n of Q क्या हो जाएगा, n of Q 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अच्छा अब R में क्या क्या है, 4 8 9 10 11, 4 8 9 10 11, 1 2 3 4 5। अच्छा इसमें भी मेरा 5 ही हो गया, मैंने अपने मन से एग्जांपल लिया, मेरा ये आ गया। अब ये चीज मेरे इस फॉर्मूले में जो है एप्लीकेबल होना चाहिए। अच्छा इस फॉर्मूले के हिसाब से एन ऑफ पी निकल गया, एन ऑफ क्यू निकल गया, एन ऑफ आर। अब बोल रहे पी इंटरसेक्शन क्यू बताओ कितना होगा। ठीक है चलो पी इंटरसेक्शन क्यू निकाल लेते हैं,
पी इंटरसेक्शन क्यू, क्यू इंटरसेक्शन आर, और आर इंटरसेक्शन, ये देखो आर इंटरसेक्शन पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर क्या क्या आएगा, पी क्यू क्यू आर पी आर, ठीक है, पी क्यू पी आर क्यू आर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये वाला P इंटरसेक्शन R, ये कैलकुलेट करते हैं, देखो ये कितना कितना आएगा, यहां से देख के भी कर सकते हैं या फिर ये ड्रॉ देख के आसानी से कर सकते हैं। P और Q में कॉमन 3 4, यहाँ पर चेक कर लो 3 और 4, ठीक है 3 4। अब इससे हम लोग लिखेंगे N ऑफ P इंटरसेक्शन Q कितना हो गया 2, Q इंटरसेक्शन R इसमें कॉमन, ड्रॉ देखो आसानी से समझ में आएगा, Q और R में कॉमन 4 8, ठीक है Q और R में कॉमन है 4.8, यहाँ से देख के देख लो Q और R ये दोनों में कॉमन है 4 और 8, अच्छा और P और R में कॉमन क्या है, P और R में कॉमन है 11 और 4, ये देखो 11 और 4, क्योंकि ये R का है सर्कल और ये P का है, तो ये हो गया 4 और 11, यहाँ पर लिख देते हैं 4 और 11, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन Q इंटरसेक्शन R 2, यहाँ पर भी 2, मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें सारे केसेस में यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम्पल। अब N ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R तीनों में कॉमन क्या है, तो ये ड्रॉ देखो तीनों में कॉमन क्या है, ये देखो तीनों में कॉमन हम लोग का क्या है, तीनों में कॉमन 4 है, ये देखो 4 ऐसा है जो कि P का भी पार्ट है, 4 ऐसा है जो कि Q का भी पार्ट है, 4 ऐसा है जो कि R का भी पार्ट है, यहाँ देखने से ही समझ में आएगा क्लियरली, ये देखो यहाँ पर ये 4 ऐसे जगह पे है, ये पार्ट P में भी कंटेन हो रहा है जब P ऐसे कवर हो रहा है, ये पार्ट Q में भी कंटेन होगा जब Q ऐसे कवर होगा, ये पार्ट R में भी कंटेन हो रहा है जब R ऐसे कवर हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये हम लोग का कॉमन टू ऑल सेट हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हम लोग का कौन सा एलिमेंट है, 4 है। वैसे तुम लोग यहाँ से चेक करके देख सकते हो 4 ऐसा एक एलिमेंट है जो तीनों सेट में कंटेन हो रहा है, तो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग का P यूनियन Q यूनियन R कितना होना चाहिए, तो पहले P यूनियन Q यूनियन R निकालेंगे फिर उसका N भी निकालेंगे, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 11, ये मैंने लिख लिया, 3 लिखा हुआ है नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 8 5 6 8 लिख लिया, 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 9 10 9 10, ठीक है, तो N ऑफ P यूनियन Q यूनियन R ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या इसका परमिशन दे रहा है, चेक कर लो फॉर्मूला इसका परमिशन दे रहा है कि नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्यू, मतलब यहाँ पर ये देखो ये लिख के दिखा देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला सही हुआ है कि नहीं, ये देखो ये 5, यहाँ पर एन ऑफ क्यू भी 5, एन ऑफ आर भी 5, माइनस सब 2 है, ठीक है 2 है, ये 1 है, अब चेक करते हैं 5 5 5, 15 15 माइनस ये कितना हो गया, 15 माइनस 2 3 4 5 6, और ये प्लस 1 मतलब माइनस 5 हो गया, 6 प्लस 1 मतलब माइनस 5, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है कैलकुलेट करके देखो, मैंने इस तरह से किया, ये देखो 2 2 2, ये माइनस 6 हो रहा है, ये तीनों मिला के प्लस 1 यानी माइनस 5, माइनस 5 से एक प्लस 5 हट गया, 5 प्लस 5 10, या फिर तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर लो पता चल जाएगा 10 होगा, यहाँ पर भी 10 आया, ठीक है। अब ये फॉर्म यहाँ पर जो ड्रॉ किया है उसके साथ अगर लॉजिकली देखो तो ये कैसे सही हो रहा है, अगर हम लोग ये देखना चाहे कि P में कितने सारे एलिमेंट है, तो P में ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है, अगर कोई पूछे कि Q में कितने सारे एलिमेंट है, तो ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। अब हमें फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है इंडिविजुअली सारे नंबर ले लो, ठीक है, तो P में 5, Q में 5, R में 5, फिर क्या करना है, हमें कॉमन एलिमेंट को हटाते जाना चाहिए, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दो बार काउंट हो रहा है, जब हम लोग पी क्यू में देख रहे हैं पी क्यू का कॉमन एलिमेंट दो बार काउंट हो रहा है, तो उसे हमें एक ही बार काउंट करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखा था, यहाँ पर ए बी का कॉमन एलिमेंट एक ही बार काउंट होना चाहिए, इसलिए उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हट जाना चाहिए, तो यहाँ पर कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं, पी क्यू के अंदर, पी आर के अंदर और क्यू आर के अंदर, तो देखो पी क्यू क्यू आर पी आर, ये देखो पी क्यू क्यू आर पी आर, जैसे सेट का नाम देंगे, ठीक है। अब कितने सारे कॉमन एलिमेंट है, पी क्यू में कॉमन क्या है, देखो पी क्यू
क्यू में कॉमन है ये दो एलिमेंट, ठीक है. अच्छा अगर क्यू आर में देखो तो ये दो एलिमेंट 4 8, अच्छा पी और आर में देखो तो ये दो एलिमेंट 11 एंड 4, देखो 11 एंड 4 ही है, 3 4 4 8 11 4, ये देखो 3 4 4 8 4 11 या 11 4, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता है. तो दो दो एलिमेंट क्योंकि बार बार काउंट हो रहा है तो उसे हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है. अब जैसे हम लोगों ने -2 -2 -2 कर दिया, अब आया +1 का लॉजिक. +1 क्यों हो रहा है, एक चीज अगर देखोगे, जब भी हम लोग 3 4 में दो बार काउंट हो रहा है बोल के उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, 4 8 दो बार काउंट हुआ बोल के उसको एक बार एलिमिनेट किए, 11 9 4 दो बार काउंट हुआ बोल के उसको एलिमिनेट किए, इस चक्कर में हम लोगों ने 4 को 3 टाइम्स एलिमिनेट कर दिया. 4 को हम लोगों ने पी क्यू में भी एलिमिनेट किया, क्यू आर में भी एलिमिनेट कर दिया और पी आर में भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है. तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा. तो तीनों का जो कॉमन है उसको हम लोग एड बैक कर देंगे, जितने सारे कॉमन एलिमेंट रहेंगे. तो एड कर दिया, एड करने से हमारे पास सही आंसर आ जाएगा. तो ये तो समझाने के लिए बोला, बाकी तुम लोग को फॉर्मूला ये वाला याद रखना चाहिए तभी होगा, ठीक है. अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है. इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है. इक्वल सेट तो पढ़ा है, आज ही पढ़ा है. इक्विवेलेंट सेट भी देखो और इक्वल सेट दोनों में डिफरेंस भी देखते हैं. तो इक्वल तो अभी अभी हम लोगों ने आज ही पढ़ा था, फिर भी हम एक बार लिखते हैं समझाने के लिए. इक्वल सेट और इक्विवेलेंट, ए में अगर मान लो ए बी है, ठीक है, और बी में मान लो ए बी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट. इक्वल सेट का मतलब है कि ऑल एलिमेंट इन ए इज ऑल्सो कंटेन इन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट ए में है, तब हम लोग इसको इक्वल सेट बोलेंगे. एज एलिमेंट्स आर इक्वल एंड इक्वल, ठीक है. अब इक्विवेलेंट समझ लेते हैं, देखो पहले तो एलिमेंट्स इक्वल है इसलिए इक्वल सेट है. इक्विवेलेंट सेट का मतलब, जैसे मान लो ए में है मेरा ए बी, वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं, बी में है यहाँ पर सी डी, ठीक है. तो एन ऑफ ए कितना हुआ 2, एन ऑफ बी कितना हुआ 2 2, मतलब एन ऑफ ए एन ऑफ बी मतलब कार्डिनल नंबर इन द सेट ए एंड बी. कार्डिनल नंबर का मतलब जितने सारे एलिमेंट ही ऑब्जेक्ट है. तो ये लिख देते हैं, ये क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट. बट ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि इक्वल सेट का डेफिनेशन जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है. इक्वल सेट का मतलब एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, इक्विवेलेंट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. ये देखो, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, ठीक है. इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब अगर एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी होगा, तो एन मतलब ही नंबर, नंबर मतलब कार्डिनल नंबर, तो इक्विवेलेंट सेट होगा. इक्वल सेट का मतलब जब ए इक्वल टू बी होता है, ठीक है. अब ए बी हो सी डी हो वो तो सेट के नाम से डिपेंड करेगा. तो नॉट इक्वल सेट बट इक्विवेलेंट सेट. बट इक्विवेलेंट सेट, ठीक है. इक्विवेलेंट सेट एज कार्डिनल नंबर इज इक्वल, एज कार्डिनल नंबर इज इक्वल. इक्वल सेट नॉट इक्वल सेट एज एलिमेंट्स आर अनइक्वल, ठीक है. एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, ये हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी एक बार कंपैरिजन के लिए मैंने ये वाला लिखवा दिया. अब इक्विवेलेंट और इक्वल सेट देखो, जैसे इसका अगर एन निकालेंगे, ये दो जो एग्जांपल है एन ऑफ ए 2 एन ऑफ बी ये भी 2, ठीक है. अब ये सेट क्या हो गया, ये सेट इक्वल सेट तो है ही, ऑल्सो इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि अगर कार्डिनल नंबर बराबर हो तो इक्विवेलेंट माना जाता है, इक्विवेलेंट सेट. तो इससे हम लोग एक मतलब जिस्ट, एक समरी हम लोग बना सकते हैं, इक्वल सेट जितने भी है वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे. सोचो जितने भी दुनिया में इक्वल सेट है, इक्वल ऐसे लिखते हैं, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट All equivalent set are not equal. ऐसा क्यों हो रहा है, अभी अभी जो एग्जाम्पल देखा उससे क्लियरली पता चलता है ऐसा क्यों होता है. सारे इक्वल सेट, अगर कोई सेट इक्वल होगा
वो इक्विवेलेंट ऑटोमेटिकली होगा, क्यों? इक्वल सेट का मतलब है जब सेम एलिमेंट रहेगा, तो अब सेम एलिमेंट का मतलब ऐसा तो नहीं यहाँ सी हो जाएगा तो सेम एलिमेंट, इसमें भी ए बी है इसमें भी ए बी है, अब इसका काउंटिंग जब करेंगे तो बराबर ही होगा, ठीक है? तो इसका मतलब जितने भी हमारे इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट होने से इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब कार्डिनल नंबर बराबर है बट एलिमेंट बराबर नहीं है, ऐसा हो ही सकता है, इसीलिए इससे ये समरी आता है कि ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर Not equal, ठीक है? Not always equal, देखो हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि सेट इक्वल भी है इक्विवेलेंट भी है, जैसे ये वाला, ये सेट देखो इक्वल भी है इक्विवेलेंट भी है, ठीक है, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है बट इक्वल नहीं है, तो कोई भी सेट इक्वल अगर हुआ तो वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर वही चीज बताया था, इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल, तो मैंने अपने हिसाब से लिखवा दिया, जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया, सेट ए 135 सेट बी 246 आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, ये इक्विवेलेंट है, क्यों? क्योंकि एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ बी ये भी 3 है, जब नंबर बराबर है तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया, इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 135 है इसमें 246 है, एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसीलिए ये इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है, तो ये इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। पावर सेट, फिर यहां पर बोला है पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट का मतलब क्या होगा, देखो यहां पर लिख के दिखाते हैं, पावर सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट, पावर सेट का मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, ठीक है? ये भी किस तरह से होगा, आज ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, उसके हिसाब से ही हो जाएगा, जैसे देखो ये जो सेट था हम लोगों ने इसका क्या कैलकुलेट किया, हम लोगों ने इसका ये जो है ये पावर सेट ही कैलकुलेट किया, क्योंकि ये एक सेट है जिसका हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो सारे कैलकुलेट किए, ठीक है? तो ये पावर सेट भी हो गया एज वेल एज ये पावर सेट भी हो गया, सेम एग्जाम्पल है ना, तो अगर कोई सेट है जैसे यहाँ क्या एग्जाम्पल दिया, यहाँ भी 1 2 3 दिया है, वही वाला देखो यहाँ पर कितने सारे पावर सेट है, तो पावर सेट का भी फॉर्मूला हमारा ऐसा हो जाएगा 2 to the power n, n means नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, देखते हैं सही बात ही नहीं, ये 3 है तो 2 to the power 3 मतलब 8, पावर सेट कितना सारा होगा, 1 2 3 4 यहाँ पर ओ ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो पावर सेट हो गया, 1 का सबसेट 1 2 3 का सबसेट 1 होगा, 1 2 3 का सबसेट 2 होगा, 1 2 3 का सबसेट 3 होगा, अब पेयर में देखो, पेयर में 1 2 1 3 2 3, ठीक है, और एक पूरा का पूरा 1 2 3, ठीक है, ये सारे प्रॉपर सबसेट है और ये वाला प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इक्वल सेट है, अच्छा एज वेल एज इक्विवेलेंट भी हो रहा है, और ये 5 भी होगा, क्योंकि 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट हो सकता है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया। अच्छा अब यहाँ पर दिया है a का वैल्यू 1, 2, वी में राइट a इक्वल टू, अच्छा ये वाला समझ लो, ये क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि a इक्वल टू 1, कॉमा 2, ठीक है, अच्छा 2 को भी सेकेंड ब्रैकेट में देना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है, फिर क्या बोल रहा है, वी में राइट ए, ए को से लिख सकते 1, बी, ये कब लिख सकते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं एज्यूम करते हैं दिस वन इक्वल टू बी, इसको एक सेट के नाम से डिनोट कर देते हैं बी, व्हेन बी इक्वल टू देन हम लोग पी ऑफ ए, देन P of A का मतलब पावर सेट ऑफ A, ठीक है, पावर सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, P of A के हिसाब से पावर सेट कैसे कैलकुलेट होगा, पावर सेट मतलब पॉसिबल सबसेट, ठीक है, तो 1 और B का सबसेट हो गया 1, इसके अलावा हो जाएगा B, इसके अलावा 1, B, ठीक है, ये हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, ये देखो
फाइव लिखा है, अच्छा इसको ना हम लोग ऐसे सेकेंड ब्रैकेट लेंगे क्योंकि ये सब सबसेट है ना इंडिविजुअली, तो ये हम लोग का फाइव, दूसरा हमारा फाइव हो जाएगा। फाइव को कैसे लिखना चाहिए ऐसे, अगर इसको भी हम सेकंड ब्रैकेट पे लिखेंगे तो बात अलग हो जाएगा, वो एक एलिमेंट हो जाएगा। फाइव वन बी वन कॉमा बी, ये देखो फाइव वन बी वन कॉमा बी। अब इसको फिर से बी तो कुछ था नहीं, हम लोगों ने एजम्पशन लिया था, इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो ये वन हो गया। बी का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, टू, ठीक है। बी का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। अब टू का दो दो ऐसे ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में टू, तो ब्रैकेट में टू पुट कर दिया और ये हो जाएगा वन कॉमा ब्रैकेट में टू, फिर ये ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया फाइव। ये लिखने का तरीका, अब तुम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा लेकिन एमसीक्यू में काफी सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहेंगे, तुम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर एक्सरसाइज आ रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज 7A, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पर क्या बोला है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट। सबसेट कैसे निकालेंगे, सबसेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे टू टू द पावर एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया बी। सेवन का, सेवन ए का आंसर वन का हो गया बी, ठीक है। अच्छा अब टू का देखो, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, तो ये टू टू दी पावर एन हो जाएगा सबसेट, तो इसका ऑप्शन हम लोग का हो जाता है ए, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, ठीक है। अभी अभी मैंने बोला था ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफी जरूरत होता है हमें एमसीक्यू में। नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या है, ये ऐसा एक सेट है जो फाइव एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ये ऐसा एक सेट है जो जीरो के एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो हम लोग नल सेट को कैसे डिनोट करेंगे, सिर्फ फाइव से, ठीक है। तो थ्री का ऐसे, सी फोर्थ, ए का वैल्यू दे दिया, बी का दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ये पूछ रहा है, चलो ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट, टू थ्री फाइव सेवन, ठीक है, टू थ्री फाइव सेवन फोर सिक्स एट टेन, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा यहाँ पर टू थ्री फाइव सेवन फोर सिक्स, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो फाइव मतलब ये वाला, ये लिखना चाहिए ए, ए लिखेंगे, ठीक है, ये ऐसे रहेगा मतलब ए हो जाएगा, फोर का आंसर ए हो गया। चलो फिफ्थ नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर में क्या है, सेट बोल रहा है कि कैसा है, एक सच दैट, इसको कैसे रीड करना है, एक सच दैट जीरो लेस देन एक्स लेस देन फाइव, तो एक्स मेरा ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट होगा जिसमें एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू होना चाहिए जीरो से कम, ठीक है, मतलब जीरो से लेके फाइव के बीच में, क्योंकि क्या बोला है जीरो लेस देन एक्स लेस देन फाइव, मतलब क्या क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, अब एक्स का वैल्यू ये होना चाहिए, लेकिन इसे कैसे क्या, हाँ ये बस इसको मुझे रिप्रेजेंट करके बताना है, तो वन टू थ्री फोर मतलब ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स जो है एलिमेंट बोला है, सेट का नाम कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो एक्स ऐसा एक एलिमेंट है जो ये सारी चीजों को कंटेन करेगा। ये हो गया हम लोग का पांच क्वेश्चन देख कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं सही वाय के लिए, उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस और भी कर लेते हैं, एक बार जस्ट आंसर भी चेक कर लेते हैं इसके साथ साथ। बी ए सी ए बी चेक करते हैं, बी ए सी ए बी, चलो ठीक है, ये फाइव तक हम लोगों ने कर लिया। अच्छा इसके बाद और पांच क्वेश्चंस कर लेते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें क्या बोला है, द सेट 0 to 4, 6, 8, 10 कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ट्राई करके देखो, अगर पहला वाला ऑप्शन हो हमारा तो क्या सही होगा, हम लोग चेक करके देख रहे हैं, ठीक है। पहले क्या बोला है, ऐसे करके 2x such that, ये such that वाला साइन है, 0 less than x less than 5, 0 less than x less than 5, इसका मतलब x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, अगर x का वैल्यू 1, 2, 3, 4 होता है, 2x का मतलब, यहाँ पर 2x का मतलब हो जाएगा 2, 4, 6 और 8, क्या ये सही हो रहा है, देखते हैं, 2, 4, 6, 8, नहीं 10 और 0 कवर नहीं कर पा रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। बी चेक करते हैं, एक सच दैट 0 less than x less than 5, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो पहला बात है कि मेरा यही वाला चीज बताए, ऊपर से 2x भी नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल है होना, मतलब ये देखो, x सच दैट 0 less than x less than 5, तो इसका मतलब x का वैल्यू बन जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यही मेरा अगर x का वैल्यू होगा तो ये सेट तो वैसे बन नहीं रहा है, इससे मेरा सेट ये 0, 2, 4, 6, 8, 10 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा, 2x such that 0 less than equal to x less than equal to 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या क्या हो रहा है, 0 less than equal to x, मतलब 0 भी कवर होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है, तो 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 भी रहेगा, इक्वल हो गया है ना, मतलब 5 या 5 से बराबर अप टू यहां तक है, तो 2x का मतलब 2 into 0 0 2 into 1 2 2 into 2 4 2 into 3 6 4 into 2 8 5 into 2 10, मतलब 0 2 4 6 8 10, ये देखो 0 2 4 6 8 10 हो गया, मतलब ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है, ठीक है, सिक्स का ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है 7 to 10 हमें इसी डेटा से आंसर देते जाना है, डेटा क्या बोला है, पी क्यू दे दिया, एस दे दिया, कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, पहले पी इंटरसेक्शन क्यू निकाल लेते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू क्या हो जाएगा, कॉमन इन पी एंड क्यू, पी और क्यू में कॉमन क्या है, 1, जो कॉमन है उसे हम क्रॉस कर लेते हैं, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, बस 1 और 3 कॉमन है, मतलब एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू 2। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये 2 मतलब ऑप्शन बी, चलो ऑप्शन बी 7 का आंसर, 8th का, 8th में बोला है कार्डिनल नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, चलो पी यूनियन क्यू निकालते हैं, पी यूनियन क्यू मतलब सारे डेटा लिखना है रिपीटेशन एक ही बार, 1 2 3 5 7 पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 5 7 मैंने पी का सारा डेटा लिख लिया। अच्छा, अब उसके बाद 1 दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 6 10 15 नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ठीक है, 8 है, तो Q का आंसर हम लोग का, 8 का आंसर हम लोग का C हो जाएगा, 8 का आंसर हम लोग का C बन जाएगा। के बाद 9th नंबर देखो, 9th नंबर में क्या बोला है, N of P कंप्लीमेंट, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, N of P कंप्लीमेंट, तो पहले P कंप्लीमेंट निकालना चाहिए, पहले निकालेंगे P कंप्लीमेंट, P कंप्लीमेंट का मतलब ऐसा नंबर जो यूनिवर्स में है बट P में नहीं है, देखो N of आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, देखो जैसे N of S कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब N of S हमारा 15 है, ठीक है, एन ऑफ पी हम लोग का कितना है, एन ऑफ पी हम लोग का 1 2 3 4 5 5 है, तो एन ऑफ पी कंप्लीमेंट कितना होगा, ये 10 होगा, सिंपल बात है, कैसे, एन ऑफ एस में 15 एलिमेंट है, एन ऑफ पी में 5 एलिमेंट है, तो एन ऑफ पी में वही सारे एलिमेंट है जो यूनिवर्स में है, लेकिन जो यूनिवर्स में होने के बाद भी पी में नहीं है, वैसे एलिमेंट कितने होंगे, अगर एस में टोटल 15 है और इसमें उससे 5 ही है तो बाकी 10 नहीं है, ये आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सीखने के लिए डिटेल्स में करें तो पहले पी कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, उसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 है, 2 3 2 3 कैंसिल आउट, 5 7 ये भी है, अच्छा है, क्या नहीं है, 4 6 8 9 10 11 4 6 8 9
टेन इलेवन ट्वेल्व, फोर सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, ठीक है. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो ये हो गया दस, ठीक है. आसानी से भी निकाल सकते हो उस तरह से, या फिर ऐसे समझ के, लेकिन वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है. वो भी समझ के ही, ऐसा नहीं कि नहीं समझ के. हमें तो कार्डिनल नंबर बोला है, हमें नंबर लिखने तो बोला नहीं है, तो हम लोग ऐसे नॉर्मल देख के भी समझ सकते हैं. टेंथ वाला भी देखो सेम वही चीज, एन ऑफ क्यू कम्प्लीमेंट. तो क्यू में कितने सारे एलिमेंट है, एक दो तीन चार पांच, क्यू में पांच एलिमेंट है और एस में पंद्रह एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्यू कम्प्लीमेंट में दस होगा. दस ऐसा नंबर होगा जो यूनिवर्स में है बट क्यू में नहीं है. तो इसको कैसे निकालेंगे, अच्छा इसका पहले आंसर का नंबर लिख लेते हैं, ये ए हो गया ऑप्शन. अब क्वेश्चन नंबर पीछे कर देते हैं सीक्वेंस में, क्वेश्चन नंबर टेन पहले निकाल लेते हैं क्यू कम्प्लीमेंट समझने के लिए, ठीक है. क्यू कम्प्लीमेंट ताकि बाद में कभी देखो तो याद रह जाए. क्यू कम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा, वन थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन के अलावा, मतलब टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नाइन नाइन इलेवन ट्वेल्व, नाइन इलेवन ट्वेल्व फिफ्टीन नहीं होगा, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, एन ऑफ क्यू कम्प्लीमेंट, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इलेवन, ठीक है. ये 11 कैसे होंगे, 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ तो मैंने गलत लिख दिया होगा. 1 3 6 10 15 नहीं लिखना है, 1 3 6, अच्छा 6 नहीं लिखना है, इसी वजह से हो गया. तो ये 10 होगा, ठीक है, 10 होगा. तो Q यहाँ पर 10th का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, ऑप्शन बी हो गया. अच्छा अब फिर से हम लोगों ने पांच क्वेश्चन कर लिया, अच्छा नीचे जगह था मैंने देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक बार जो है आंसर को मैचअप कर देते हैं. ये सिक्स का सी हो जाएगा, सिक्स नंबर का सी हो गया, ठीक है. चलो सेवेंथ का बी, एट का सी, सेवन का बी एट का सी, नाइन का ए, नाइन का ए हो जाएगा. टेन तो मैंने इधर कर लिया तो इधर से देखना पड़ेगा, टेन का बी हो जाएगा, टेन का बी, चलो ठीक है टेन का बी. अच्छा क्वेश्चन नंबर इलेवन, इलेवन में बोला है, अच्छा सेवन से टेन तक बोला था, हो गया हम लोग का. इलेवन में बोला है द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है. नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, लेकिन नेचुरल नंबर के क्यूब का सेट हमें बनाना है, ठीक है. तो नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा कि ये हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. तो देखो नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है. पहले ये समझ लो नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है. नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड्स एट इंफिनिटी. इसका मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होता है नेचुरल नंबर में, जीरो नहीं आता है. जीरो के अलावा बाकी सारे नंबर जो कि पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव होने से नहीं चलेगा. वन से शुरू करके जितने भी नंबर हम लोग, अब इंफिनिटी क्यों है, क्योंकि अनगिनत हो जाएगा ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जितना हम लोग काउंट कर सकते हैं. ये तो हमारा लिमिटेशन कि हम वन टू थ्री फोर हंड्रेड तक करते हैं, मतलब इसके बाद हंड्रेड वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री, ये तो जितना बोलोगे चलता जाएगा. क्या हम लोग उतना बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे. इसीलिए इन्फिनिटी होता है ना, नंबर का कोई एंड थोड़ी ना है. जितने भी नंबर बनाते जाओ बनते जाएंगे. अब बोल रहा है इसका हमें क्या करना है, जितने भी नंबर है इसका क्यूब बनाना है, लाइक वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब, ऐसे क्यूब बना के हमें सेट बनाना है. तो वो कैसा सेट बनेगा, ऑब्वियसली पहला बात है फाइनाइट सेट तो वो बन ही नहीं सकता. क्यों, क्योंकि जब इनफाइनाइट नंबर ही है तो फाइनाइट सेट कैसे बनेगा, नल सेट भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा. तो ये एक फाइनाइट इनफाइनाइट सेट बनेगा. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इलेवन का बी, इनफाइनाइट सेट बनेगा. अच्छा अब ट्वेल्व, ट्वेल्व में क्या बोला है देखते हैं. द सेट टू एक्स
सच दैट एक्स इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है. हमें क्या करना है, एक सेट बनाना है जिसमें एलिमेंट 2x फॉर्मेट में रहेगा और एक्स क्या है, एक्स है कोई भी, एक्स है कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर. हम लोग को पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा. अच्छा, रैशनल नंबर का मतलब होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में जो है डिफाइन कर सकते, कर नहीं सकते, ठीक है. रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर. ये देखिए, रैशनल नंबर मतलब पी बाय क्यू फॉर्मेट में एग्जैक्टली हम लोग जब डिफाइन कर सकते हैं. इरेशनल मतलब नहीं कर सकते. ये हो गया यहाँ पर डिफाइन एज पी बाय क्यू, ठीक है, उसे रैशनल नंबर बोलते हैं. तो हमें क्या करना है, एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, पहला बात है कि 2 to the power x, x ऐसा वैल्यू होना चाहिए उससे एक रैशनल नंबर का सेट बनेगा, लेकिन सारे नंबर पॉजिटिव होंगे. तो इसका मतलब है रैशनल नंबर तो बहुत सारा हो सकता है, तो अनगिनत होगा, तो नल सेट तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ उसमें आएगा, फाइनाइट भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर हम लोग काउंट करना नहीं सकते, पूरा जितना भी काउंट कर पाए नहीं कर पाए, नंबर तो चलता जाएगा, ठीक है, काउंट करते जाओ, इसका तो कोई लिमिटेशन है नहीं, तो ये फाइनाइट तो नहीं होगा, इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, ठीक है. ये हम लोग का इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, 12 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है. 12 का आंसर ये हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला है, वन माइनस वन टू दी पावर एक्स ऐसे दे रखा है. For all integral, x is a set. एक सेट बनाना है. ये रूल्स को अप्लाई करके एक सेट बनाना है फॉर और ऑल इंटीग्रल. इसमें x का इंटीग्रल वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे कि 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, जो भी रखो, इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. -1 रख लो, -2, क्योंकि नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं बोला है. अगर हम लोग कुछ भी ऐसे रखते हैं, जैसे कि 0 रखा, 0 रखने से ये 1 हो जाएगा, समथिंग टू दी पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ये -1 हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 2 हो जाएगा. जैसे देखो 1 माइनस -1 टू दी पावर 0, तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया. अगर 1 माइनस -1 टू दी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1, तो ये हो गया 1 प्लस 1, ये 2 हो गया. 3 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का मतलब 1 माइनस -1 टू दी पावर 3, तो 1 माइनस यहाँ पर -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2. मतलब जब भी हम लोग कुछ पॉजिटिव नंबर रखेंगे, सॉरी, जब हम लोग ऑड नंबर रखेंगे तो हमारा 2 आएगा, जब हम लोग इवन नंबर रखेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि x का पावर -1 को जब हम लोग ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस ही रह जाता है, वो माइनस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाके 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 है. और अगर यहाँ कुछ और नंबर होता तो बात अलग होता, 1 है. अब 1 को अगर 100 टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है. डिपेंड करता है कि ऑड होगा कि इवन. एक्स का वैल्यू अगर ऑड होगा तो आंसर हम लोग का, एक्स का वैल्यू अगर ऑड होगा तो आंसर हम लोग का 2 आएगा. एक्स का वैल्यू अगर हम लोग का इवन होगा तो आंसर हम लोग का 0 आएगा. इवन होने पे ये माइनस रह जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 0 और 2 हम लोग का आंसर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होना चाहिए, ठीक है. फॉर ऑल इंटीग्रल एक्स इज अ सेट बोला, इंटीग्रल वैल्यू, ये माइनस भी तुम लोग देख सकते हो. ये देखो 1 माइनस -1 टू दी पावर -1, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 माइनस 1 बाई 1, तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया. अच्छा, -1 टू दी पावर -2 भी करते हो तो 1 माइनस 1 बाई 1 टू दी पावर 2, ठीक है, तो 1 टू दी पावर 2, 1 माइनस 1, ये जीरो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है. तो ये माइनस में भी देखोगे तो सेम बात ही होगा, 0 और 2 ही आएगा, कैसे भी कर लो 0 और 2 ही आने वाला है. तो यहाँ पर मेरा 0 2 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है. ये हो गया मेरा 13 नंबर. 14 इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर एंड ओ इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर. तो ये क्या है, बोल रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर और O is a set of positive odd number.
अगर हम लोग ई यूनियन ओ करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमें बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इवन कॉमा सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, मतलब यहाँ पर वो सारे नंबर आ जाएंगे जो पॉजिटिव है और इवन भी है ऑड भी है, मतलब इवन नंबर है ऑड नंबर है लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, वन ऑफ नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इवन नंबर बोला है, ऑड नंबर बोला है, तो यहाँ पर होल नंबर भी बोला है, तो इवन और ऑड नंबर जो है क्या वो हम लोग का पॉजिटिव ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है, रैशनल नंबर पॉजिटिव ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन देखो अभी अभी मैंने एक चीज लिखवाया था यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर जो स्टार्ट होता है पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, उससे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही कंटेन होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही है, तो ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ हम लोग का पॉजिटिव नंबर को कंटेन करता है, यानी कैपिटल एन में हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक कर लेते 15 और आंसर देख लेते, उसके बाद आज यहां तक ही करेंगे। आर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो आर क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का मतलब जिसे हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं, ये मैंने इक्वेशन के टाइम पे भी बताया था, पी बाई क्यू फॉर्मेट, जैसे देखो 2/3, ठीक है, लेकिन मान लो 1/3, ये प्रॉपर क्यू बाई पी बाई क्यू फॉर्मेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ये देखो मतलब ऐसे बोलना चाह रहे हैं जैसे √3, ये प्रॉपर पी बाई क्यू फॉर्मेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 3 में अगर हम लोग रूट लगाए तो ये जो आंसर आ रहा है ना, ये कैलकुलेटर में इतना दिख रहा है, ये कंप्लीशन नहीं है, इसके बाद भी और डिजिट है, अब इसको अगर हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में करना चाहे तो करना पॉसिबल नहीं है, जैसे हम लोग कर सकते हैं 2.5 को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 25/10 करके, ये 5 हो गया ये 2 हो गया, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2.5 ही इसके आगे कोई नंबर नहीं है, जैसे देखो 5/2 करते हैं ना, ये देखो 2.5 इज एग्जैक्ट नंबर, इसके आगे कोई नंबर नहीं, इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर है जो कि इनफाइनाइट टाइम चल रहा है तो उसे हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे, तो हम लोग उसको जो है रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर पी बाई क्यू फॉर्मेट में ये नहीं डिफाइन होगा, ठीक है, √3, इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि इक्वेशन में भी मैंने ये चीज बताया था, तुम लोग को बता रखा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, अच्छा ई क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, अब रियल नंबर मतलब क्या क्या होता है वो लिखना पड़ेगा मुझे, रियल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या, पी बाई क्यू फॉर्मेट, ठीक है, नेगेटिव फ्रैक्शन, ये सब हम लोग का क्या होता है, ई का मतलब क्या था, रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब ये सब होता है, तो इससे ये पता चल रहा है आर जो है वो सबसेट है ई का, क्योंकि ई में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें वो ई जो है आर का सारा एलिमेंट कंटेन कर रहा है, देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब ये फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको पी बाई क्यू फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते थे, तो आर इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ई, मतलब 15 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 15 का आंसर ए हो जाएगा। अब एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं कि आंसर हम का सही भाई के लिए, बाकी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 32 तक है, तो 32 तक जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके बाद हम एक बार जस्ट चेक कर लेंगे कि मेरा आंसर जो है कुछ गलत है कि नहीं, सही होगा देख लेते एक बार। यहाँ पर 10 तक मैंने गो थ्रू कर लिया था, 11 का बी, 11 का यहाँ पर देख लेते बी, 12 का ए, 13 का सी, 12 का ए, 13 का सी, अच्छा 14 का हम लोग का सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अच्छा ये मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं देख लेते, 14 का बी होना चाहिए, ये शायद बी था, देख लेंगे अभी, ठीक है, 15 का ए, अच्छा 15 का बी होगा, गलत हो गया, अच्छा चलो चेक करते, 15 का मेरा बी होना चाहिए, क्या गलत हो गया हम चेक करते, 15 का बी होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा ये देखो पहले 14 का देख लेते, मैंने बी ऑप्शन, हाँ सही हुआ है, 15 का बोल रहा है बी होगा,
अच्छा मैंने बी बी की जगह ए लिख दिया, गलत ये हो गया है। मैंने ऑप्शन सही लिखा है, बी की जगह गलती से ए लिख दिया है। आर इज अ सबसेट ऑफ ई लिखा है, बट मैंने ऑप्शन ए लिख दिया, इस वजह से गलत हो रहा है। चलो ठीक है, 15 तक हो गया। अब इसके बाद से हम लोगों को करना है 16 से लेके बाकी जितना है वो। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।